गुड इवनिंग बच्चा लोग गुड इवनिंग हाउ इज एवरीबडी डूइंग क्या हाल चाल है गार्डियंस ये वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर टूडे नेम ऑफ द चैप्टर इज एनवायरमेंटल इश्यूज जो कि आपका लास्ट चैप्टर होने वाला है इकोलॉजी का सो आई एम वेरी एक्साइटेड वेरी हैप्पी दैट स्लोली स्लोली वी आर मूविंग टूवर्ड्स आर गोल्स हाँ जी कैसे हो तुम लोग क्या हाल चाल बच्चों क्या हाल चाल <coughs> मैं लाइव हूँ हाँ जी मैं लाइव हूँ बिल्कुल कैसे हो कासन बा बच्चो कासन बा हाँ जी कैसे हो कैसे हो कैसे हो एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू विजिबल ऑडिबल ओके ठीक है चलो जी आज का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है पहली बात तो ठीक है अगर आप मेरे साथ नए जुड़े हो बच्चों तो आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह आई हैव अ पीएचडी डिग्री इन माइकोलॉजी मैं पिछले सात साल से पढ़ा रही हूँ नीट के लिए बच्चों को प्रिपेयर कर रही हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनके ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक पहुँचा है एंड अब तुम्हारी बारी है और ये जो बैच है ना मेरा सारथी बैच इसमें बच्चों आपके बायो के केमिस्ट्री uh, के एंड फिजिक्स के लेक्चर चलते हैं जहाँ पर हम खत्म कर रहे हैं डिटेल में ठीक है डिटेल में मैं बायोलॉजी ख़त्म कर रही हूँ एंड हमने बहुत सारे चैप्टर फिनिश कर लिए तो आज हम करने वाले हैं आज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एनवायरमेंटल इश्यूज़ और आज इस चैप्टर के साथ मतलब इस चैप्टर को तीन सेशंस तो लगेंगे ही और उसके साथ अपनी इकोलॉजी खत्म हो जाएगी जो मैंने तुम्हें प्रॉमिस करा था कि नवंबर में इकोलॉजी हो जाएगी तो हो जाएगी दिसंबर का प्लान भी जल्दी आपके हाथों में आ जाएगा तुम्हारे सामने आ जाएगा तो बच्चों अगर मैं बात करूँ नंबर की एनवायरमेंटल इश्यूज़ कितने क्वेश्चन आते हैं है मैम क्या ये चैप्टर बहुत ज़रूरी है बिल्कुल बहुत ज़रूरी है बच्चों एक चैप्टर जिससे चार क्वेश्चन आ जाएँ वो चैप्टर बहुत ज़रूरी है उस चैप्टर को हम हाई वेटेज में रखेंगे उस चैप्टर को हम क्या बोलेंगे कि ये तो हाई वेटेज वाला चैप्टर है यार चार क्वेश्चन आ जाते हैं चार क्वेश्चन सोलह नंबर का आपका ये चैप्टर है 16 मतलब में में मतलब आपके चार चैप्टर्स हैं चारों चैप्टर्स में से ना आप चार चार क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो क्योंकि पिछले दो तीन साल की अगर मैं बात करू ना तो ग्यारह बारह ग्यारह बारह क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों दस नहीं ग्यारह बारह ग्यारह बारह बढ़ता जा रहा है वेटेज ठीक है एक ये और एक बायोटेक्नोलॉजी इनका वेटेज बढ़ता ही जा रहा है ना जी ओके आगे बढ़े ओके okay, चलो यस yes, बच्चों आज आज फिर से जनता गायब है क्या बोलू मैं तुम्हें क्या बोलू क्या चाहते हो तो मैम आप क्या बोलो हाँ चलो शुरू करते हैं ठीक है एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना बच्चों एंड दिस इज वाई दिस इज इंपॉर्टेंट ठीक है मैम आप ये बहुत दिनों से बता रही हो इसलिए बता रही हो बच्चों क्योंकि इस टाइम पे ये बहुत ज़रूरी है क्यों एक तो आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी ठीक है क्वालिटी एजुकेशन द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी दैट वी हैव द काइंड ऑफ इंटरफेस दैट वी हैव ऑन प्लस प्लेटफॉर्म द काइंड ऑफ फीचर्स दैट यू गेट ऑन प्लस प्लेटफॉर्म आई कैन गारंटी यू आपको कहीं और नहीं मिलेंगे प्लस वो अब आपको कितने प्राइस में मिल रहे हैं अप टू फिफ्टी टू परसेंट आपको ऑफ मिल रहा है बच्चों आप जब इस प्लेटफॉर्म पे आओगे तो आप खुद ही देखोगे कि इतने सारे फीचर्स इतने सारे ऑप्शन इतनी ज्यादा हेल्प कहीं और आपको नहीं मिल सकती एंड नाउ अब आपको मिल रहा है अप टू 52 परसेंट ऑफ में आप इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के साथ पढ़ सकते हो आप अपने खुद के एजुकेटर्स चूज कर सकते हो कि मुझे बायो इन्हीं से पढ़ना है मुझे केमिस्ट्री इन्हीं से पढ़ना है मुझे फिजिक्स इन्हीं से पढ़ना है मेरे को कोई प्रॉपर ऐसा ये नहीं चाहिए कि बस एक बैच में मैं एनरोल हो गई तो मैं बस मेरी जिंदगी उधर ही चली जाएगी नो यू चूज द टीचर्स हेयर आपको हम नहीं सिलेक्ट करेंगे कि तुम इस बैच में जाओ सो दैट इज द मोस्ट यू नो लवेबल फीचर ऑफ आवर प्लेटफॉर्म एंड नाउ बच्चो अगर आप मेरा कोड यूज करोगे एक एक चीज है बस आपको मेरा कोड लगाना है गार्गी एंड यू विल गेट अप टू 52 परसेंट ऑफ जैसे कि अगर मैं बात करूं एक साल का जो सब्सक्रिप्शन है आपका वो आपको मिल रहा है 49 परसेंट ऑफ में मतलब 22499 में मिल रहा है और जो छः महीने का या नौ, नौ महीने का नौ महीने पे तो आपको 52 परसेंट ऑफ मिल रहा है दैट इज़ बच्चों फॉर सेवेंटी जो बच्चा अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहा है तेईस के लिए नहीं चौबीस के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो अठारह महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकता है उस पर फोर्टी आपको ऑफ मिल रहा है अगर आपको और भी ज़्यादा असिस्टेंस चाहिए अगर आपको और भी ज्यादा हेल्प चाहिए अगर आपको पत ये होता है कि नहीं मेरे को तो ना कदम कदम पे दिक्कत आती है मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं मेरे घर में कोई है भी नहीं जो मुझे गाइड कर सके देन गो फॉर आइकॉनिक देन गो फॉर आइकॉनिक जब ये गार्गी कोड लगाओगे ना आप आपको मेरा गाइडेंस मेरा मेंटोरशिप भी मिलेगा बच्चों को स्क्रीन शॉट भेज देना आपको मैं अपने पर्सनल ग्रुप में एड कर लूंगी कोई भी दिक्कत होगी यू विल रीच आउट टू मी बट दिस इज योर चांस टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट टू बिकम द बेस्ट बस इतनी बात बोलूंगी मैं एंड राइट डिसीजन ले लो अभी अभी के अभी राइट right बच्चों चलो <coughs> तो हम शुरू करेंगे विद एनवायरमेंटल इश्यूज ठीक है इसमें आज हम वो आ, सारा डिस्कस करेंगे ये वाला जो खतरनाक सा डायग्राम तुम्हें लगता है दिस वन आई विल बी एक्सप्लेनिंग एक्सप्लेनिंग दिस डायग्राम अरे ये वाला डायग्राम कैसे क्या होता है मैम इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर कैसे काम करता है ये जो स्क्रबर है ये कैसे काम करता है सारी बातें करेंगे हम आज है ना तो एनसीआरटी लेके बैठना है अपन को, एंड बिल्कुल मस्त तरीके से नोट्स बनाने हैं और चलो चलते हैं ठीक है जी ओके यस रितिका, मैंने आपको रिप्लाई करा है देखना ठीक है मैंने आपको रिप्लाई भी कर दिया है ओके okay? चलिए जी एनवायरमेंटल इश्यूज देखो एनवायरमेंटल इश्यूज में हम पढ़ेंगे पोल्यूशन अलग अलग तरह के पोल्यूशन एयर पोल्यूशन पढ़ेंगे, वाटर पोल्यूशन पढ़ेंगे, नॉइज पोल्यूशन भी पढ़ेंगे, ठीक है अब इन सब पोल्यूशन के कोई ना कोई ऐसी एक अथॉरिटी होगी कोई ना कोई ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन होगा जिसके अंतर्गत आपके इन पोल्यूशन के कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनेंगे तो हमें एक चीज़ वन इज हमें एक्ट याद रखने हैं ठीक है जी सारे एक्ट हम याद रखेंगे पानी वाला कब था हवा वाला कब था नॉइज वाला कब था किसके साथ मिला दिया नॉइज वाले को ठीक है दूसरी चीज़ कैसे हमने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा ठीक है दूसरी चीज़ बच्चों क्या इंपॉर्टेंट है कि कैसे हमने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा जैसे कि अगर मैं बात करूं एयर पोल्यूशन की तो हमने कैसे अपनी जो एयर है उसको कैसे हम प्योरीफाई कर रहे हैं लाइक वी आर ट्राइंग हम पूरा का पूरा तो नहीं प्योरीफाई कर सकते लेकिन वी आर ट्राइंग कैसे कर रहे हैं तीसरी चीज़ बच्चों इज़ केस स्टडी यस आपके बुक में जो एग्जाम्पल दिया ना कि जी ये इन्होंने ये कर दिया था इन्होंने ये कर दिया था इन्होंने ये चीज कर दी थी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट उस उसपे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो तीन चीजें बहुत बहुत जरूरी हैं एक जो एक्ट्स हैं दूसरा कि हम कैसे प्रिवेंट कर रहे हैं चीजों को तीसरा केस स्टडी अगर तुमने ये तीनों चीजें मास्टर कर ली इस चैप्टर की तो इस चैप्टर में चार नंबर लेने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता ठीक है कोई नहीं रोक सकता बिल्कुल भी नहीं रोक सकता एंड हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर का नाम लिखना ना बच्चों एनवायरमेंटल इश्यूज मैं शुरू करूंगी पोल्यूशन से पोल्यूशन क्या होता है व्हाट इज पोल्यूशन व्हाट इज पोल्यूशन ठीक है अब देखो पोल्यूशन क्या है गंद ठीक है पोल्यूशन मतलब गंद जो चीज हमें नहीं चाहिए ठीक है जो चीज हमें नहीं चाहिए दैट इज पोल्यूशन और पॉल्यूशन तो वी कैन राइट दैट पॉल्यूशन इज अनडिजायरेबल चेंज जो हमें नहीं चाहिए हमें ये चेंज ये बदलाव नहीं चाहिए हमारी हवा जैसे पहले थी हमें वैसी ही चाहिए अब जो गंदी होती जा रही है ना हमें वो नहीं चाहिए सो वी एल राइट कि पॉल्यूशन इज अनडिजायरेबल अन डिजायरेबल चेंज ठीक है ये चेंज हमें नहीं चाहिए लेकिन हो रहा है क्यों हो रहा है हमारी हरकतों की वजह से हो रहा है हम देखेंगे क्या क्या हरकतें हमने कही है अब इसकी वजह से क्या होगा पल्यूशन होगा ठीक है नाउ मैं मैं अपना जो ये आ, मैं हम हमेशा जब अपना सेशन लेती हूँ तो पीवाई क्यू कॉर्नर भी कराती हूँ तो बच्चों आज की शुरुआत होगी पीवाई क्यू कॉर्नर से ही सीधा आते ही मैम ने हाँ जी आज तो पीवाई क्यू कॉर्नर से ही शुरुआत होगी ठीक है तो पोल्यूशन हो गया अनडिजायरेबल चेंज जो चीज पोल्यूशन करेगी ठीक है एजेंट्स ऑफ पल्यूशन उनको हम बोलेंगे पल्यूटेंट्स जो चीज पल्यूशन करेगी एजेंट्स ऑफ पल्यूशन दैट मीन्स दे कॉज पल्यूशन ये क्या करते हैं समथिंग दैट इज कॉजिंग पल्यूशन उसको हम क्या बोलेंगे पल्यूटेंट्स बोलेंगे ठीक है उसको क्या बोला जाता है बच्चों उसको बोला जाता है पल्यूटेंट्स पल्यूटेंट्स आपको पता होने चाहिए दो तरह के होंगे एक होगा प्राइमरी दूसरा होगा सेकेंडरी ठीक है ये नॉट गिवन इन एनसीआर बट इस पे बहुत पहले क्वेश्चन आते हैं पूछे जा चुके हैं तो ये तुम्हें पता होना चाहिए एंड दिस इज बेसिक यार बेसिक चीज तुम्हें पता होनी चाहिए कि पोल्यूशन की बात करें तो पोल्यूटेंट्स पता नहीं है ऐसा थोड़े ना होता है ठीक है तो लिखो चलो नाउ इनको बोला जाता है एजेंट्स ऑफ पोल्यूशन को बोला जाता है पोल्यूटेंट बच्चों ठीक है नाउ पॉल्यूटेंट में हम करेंगे पी वाई क्यू कॉर्नर राइट इसके क्वेश्चन आपको पी वाई क्यू में जरूर मिलेंगे जरूर मिलेंगे ठीक है पक्का मिलेंगे पक्का एक बार नहीं दो बार नहीं चार चार पांच बार बार मिल जाएंगे ओके okay, दो तरह के होते हैं पॉल्यूटेंट आर ऑफ टू टाइप ये ओके चलो <coughs> मैं तुम्हारी चैट ना बाद में पढ़ूंगी मैम पहले ये करवा दीजिए फिर ये करवा दीजिए अभी जो मैम करवा रही है उस पर ध्यान नहीं है किसी का बच्चों यू हैव टू लर्न टू लिव इन द मोमेंट जो चीज चल रही है ना उसमें अपने आप को समा दो ये बहुत जरूरी चीज है आपकी लाइफ में ये मिसिंग है आप बैठे यहाँ होते हो बात आप दूसरे चैप्टर की करते हो कि मैम ये तो ठीक है आप अगली बार ना ये वाला चैप्टर करा देना ट्रस्ट मी मेरे इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करो सात साल से पढ़ा रही हूँ कुछ तो पता होगा ना मुझे है ना तो जैसे जैसे मैं करवा रही हूँ जितना फोकस ज्यादा होगा उतना ही रिजल्ट अच्छा आएगा डू दिस do यार इतने अच्छे तुम बच्चे हो ये बातें कर रहे हो तुम गलत बात सो so, पल्यूटें को हम डिवाइड करेंगे प्राइमरी में और सेकेंडरी में ठीक है प्राइमरी में और सेकेंडरी में देखो मुझे आज भी दर्द हो रहा है लेग्स में बट आई एम स्टिल हियर स्टैंडिंग टेकिंग योर सेशन ठीक है तो खुद के अंदर भी वो जोश बना के रखो यस मैम आई है अगर पढ़ाने तो हम भी पढ़ेंगे और बिना कंप्लेन के पढ़ेंगे ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे मैम बाद में ये वाला करा देना इसके बाद ये करा देना बिकॉज मैम केयर्स फॉर यू बच्चो आई एम बिकॉज ऑफ यू ठीक है सो ट्रस्ट मी ऑन दिस यस ट्रस्ट मी ऑन दिस ओके जी चलो राइट प्राइमरी पल्यूटेंस एंड सेकेंडरी प्राइमरी पोल्यूटेंट कैसे होंगे बच्चों जो भाई मतलब जो पैदा होते ही बनते ही हमारी नाक में दम कर देंगे वो होते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स ठीक है सो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो होते हैं जिनको बदलने की मुझे जरूरत नहीं है जो हो गए ना बन गए तो ये हमारी जिंदगी खराब करके ही जाएंगे सो दे आर पास्ट इन टू द एनवायरमेंट ठीक है ये एनवायरमेंट में अपने जिस फॉर्म में बने उसी फॉर्म में आते हैं और मचाते हैं और क्या करते हैं मचाते हैं जैसे कि बच्चों दे कॉज पोल्यूशन इन द फॉर्म दे आर प्रोड्यूस ठीक है पास्ट इन टू द इनवायरमेंट इन द फॉर्म एज प्रोड्यूस मैं नहीं बताने वाली मैं कौन सा चैप्टर कराऊंगी इसके बाद तुम ना भटकते हो बहुत बच्चों अब मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी अब तुम्हें ना प्लान भी नहीं दूंगी दिसंबर का अब देखना मैं ये करूंगी तुम्हारे साथ बच्चों प्लीज फोकस दिस इज माय रिक्वेस्ट टू यू प्लीज फोकस डोंट आस्क मी कि मैम इसके बाद कौन सा चैप्टर होगा यू नो ना आई गिव यू अ प्रॉपर प्लान है ना एवरी मंथ सो दिस मंथ आल्सो यू विल गेट अ प्रॉपर प्लान एंड वी विल स्टिक टू इट व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड व्हाट इज द रश जितने चैप्टर्स तुमने मेरे साथ खत्म कर लिए हैं इस बैच में ना उतने चैप्टर गारंटी के साथ किसी और ने नहीं कराए हैं YouTube पे अभी तक इस सेशन में क्यों इतना डर है तुम्हारे अंदर ठीक है चलो बस अब मैं इस चीज पे बिल्कुल बात नहीं करूंगी बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रहा है मेरे को और दूसरे बच्चों को भी हो रहा आई एम श्योर तो हम कोई बात नहीं करेंगे अब मेरी बात सुनते जाओ तुम तो. प्राइमरी प्राइमरी आपके जैसे बने हम वैसे ही यूज कर लेंगे ठीक है जिस फॉर्म में बने उसी फॉर्म में नाक में दाम सो दे पास्ट इन टू द एनवायरमेंट अब मैं एनवायरमेंट को ई एन वी लिखूंगी ठीक है इतना लंबा वर्ड हम नहीं लिखने वाले हमें शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स बनाने हैं एनवायरमेंट इन द फॉर्म दे आर प्रोड्यूस्ड तो इसको चेंज करने की हमें जरूरत नहीं है ठीक है ये पैदा ही शैतान होते हैं और ये शैतान की तरह ही काम करते हैं एग्जाम्पल तो बता दो मैम एग्जाम्पल तो बता दो जैसे बच्चों एसओ टू सी ओ टू ठीक है बेसिकली ये जो तुम्हारा एग्जॉस्ट निकल रहा है ना ऑटोमोबुल से जो भी चीज निकल रही है वो सब यहाँ डाल दो नाइट्रोजन के ऑक्साइड इन सब ने हमारी जिंदगी तबाह करी हुई है नाइट्रोजन के ऑक्साइड ठीक है और क्या डालें हम पार्टिकुलेट मैटर वेरी इंपॉर्टेंट ये तुम्हारे चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बनने वाला है पार्टिकुलेट मैटर ठीक है नाउ मैम व्हाट इज पार्टिकुलेट मैटर हमें ये तो पता है एसओ टू क्या होता है सी टू क्या होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या होते हैं बट पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है मैम पार्टिकुलेट मैटर इज बच्चो एनीथिंग विच इज माइक्रोस्कोपिक ठीक है बहुत ही छोटा होता है माइक्रोस्कोपिक होता है लेकिन वो हवा में सस्पेंडेड है ठीक है हवा में सस्पेंडेड है और मैम ये बनते कब है पार्टिकुलेट मैटर कब बनेगा जब कोई चीज जलेगी तो पार्टिकुलेट मैटर बनेगा ठीक है जब भी कोई चीज जलेगी चाहे वो आपका ऑटोमोबाइल से एग्जॉस्ट निकल रहा है चाहे फैक्ट्री में चीजें जल रही हैं चाहे तुम खुद से कोई चीज को आग लगा रहे हो तो पार्टिकुलेट मैटर बनेगा ही बनेगा और वो कहाँ जाके सस्पेंड हो जाएगा बच्चों तुम्हारे एटमोसफेयर में तुम्हारी हवा में सस्पेंड हो जाएगा क्यों सस्पेंड हो जाएगा मैम बिकॉज दैट इज वेरी वेरी लाइट बहुत हल्का है नीचे जाने में बहुत समय लगता है और उससे पहले ही तुम्हारे अंदर आ जाएगा क्योंकि तुम सांस ले रहे हो ना योर ब्रीदिंग सांस के साथ आपके लंग में गया लंग में इरिटेशन करेगा इंफ्लेमेशन हो जाएगी हम इसकी बात करेंगे सो पार्टिकुलेट मैटर क्या है बच्चों इट कैन बी इट कैन बी सॉलिड छोटे छोटे से क्या क्या कहते हैं तुम्हारे पार्टिकल्स या फिर लिक्विड भी हो सकते हैं इन्हीं को एरोजोज बोला जाता है इन्हीं को सस्पेंडेड पार्टिकल्स बोला जाता है इन्हीं को सस्पेंडेड मैटर्स बोला जाता है पार्टिकुलेट मैटर के बड़े सारे नाम हैं ठीक है थीके? बहुत सारे नाम हैं ओके okay जी बहुत सारे नाम हैं पार्टिकुलेट मैटर के डन कैन यू प्लीज लाइक द सेशन सेशन को लाइक कर दो इसी बात पे इसी बात पे बच्चों सेशन को लाइक कर दिया जाए बड़े ही ये तुम बहुत ही ना <coughs> क्या बोलूँ मैं तुम्हें अगर अगर तुम मेरे जैसे <coughs> तो तो मेरा भाई बहन होता ना ठीक है मैं उनको बोलती हूँ यार तुम बहुत ही चिंदी हो <coughs> हाँ तुम बहुत ही चिंदी हो लाइक ही नहीं करते हो तो मैं अपने छोटे भाई या बहन को ऐसे ही बोलती हूँ तो तुम्हें भी वैसे ही बोल रही हूँ उसी तरह से बोल रही हूँ तुम बहुत चिंद हो या लाइक नहीं करते हो यहाँ पे टीचर बेचारा अपनी एनर्जी उसकी खत्म हो जाती है बोल बोल के टीचर ख़त्म हो गया है तुम्हारा लेकिन हम लाइक नहीं करेंगे बिल्कुल नहीं करेंगे है ना हाँ चलो येस <laughs> yes, बच्चों तो पार्टिकुलेट मैटर क्या है दे कैन बी लिक्विड दे कैन बी सॉलिड लेकिन बहुत छोटे माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं जो हवा में हवा में सस्पेंडेड है इसके बारे में लिखाऊंगी मैं अभी मैं सिर्फ तुम्हें पोल्यूटेंट्स बता रही हूँ। सेकेंडरी पे आ जाओ अब सेकेंडरी अगर मैंने बोला कि जो प्राइमरी था वो पैदा होते ही नाक में दम कर देता है तो मतलब सेकेंडरी पैदा होते ही नाक में दम नहीं करेगा ये बदलेगा इट विल चेंज ठीक है इट विल चेंज बच्चों सेकेंडरी विल चेंज इनटू सम अदर फॉर्म तो हमारी नाक में दम करेगा मतलब दिस विल बी फॉर्मड बाय द इंटरेक्शन ऑफ फॉर्मड बाई इंटरेक्शन ऑफ इंटरेक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स ठीक है अदर पल्यूटेंट्स जो प्राइमरी पल्यूटेंट्स हैं ना वो अगर मिल जाए तो फॉर्न बाय द इंट्रैक्शन ऑफ प्राइमरी पल्यूटेंट्स ठीक है जैसे छोटा छोटा भाई होता है छोटा बहन होता है ठीक है वो कैसे होते हैं वो सबसे ज्यादा शरारती निकलते हैं क्योंकि क्यों, वो क्यों सबसे सीख रहे हैं

नाइट्रेट ठीक है दैट इज पैन तो ये हो गया पीवाई क्यू कॉर्नर फॉर दिस चैप्टर ठीक है इस चैप्टर के लिए हमारा पीवाई क्यू कॉर्नर मतलब आज के टॉपिक के लिए ये हमारा पीवाई क्यू कॉर्नर हो गया तो बच्चों हमने क्या करा हमने देखा कि पॉलिटिन दो तरह के होते हैं एक होता है प्राइमरी जिसको बदलने की मुझे जरूरत नहीं है वो जिस फॉर्म में बना उसी फॉर्म में नुकसान करेगा ठीक है एक होता है सेकेंडरी जो इंटरैक्ट करके बनेगा प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के साथ इंटरैक्ट कर जाएगा और फिर बनेगा जैसे कि ओजोन एंड पैन एसाइल परेट ठीक है परोक्सी नाइट रेट डन ओके अब हम बात करेंगे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट मैं ना लास्ट में आपको ये एक्ट एक ही पेज पे बना के दे दूंगी लेकिन साथ साथ में भी हम करते रहेंगे सो भाई एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड एक्ट मैं यहां लिख रही हूं इधर लिख रही हूं ई एन वी मैं ई e एन वी लिखूंगी अब एनवायरमेंट को पहले ही बता दिया एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ठीक है इन द ईयर 1986 वेरी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में एक्ट्स कब हुए थे कौन से साल में बना था बहुत जरूरी है क्या अमेंडमेंट हुआ था क्या कोई चेंज हुआ था कुछ सालों के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो दिस कैन बी फ्रेम्ड एज योर क्वेश्चन ये आपका क्वेश्चन बन के आ सकता है बहुत चांसेस है ठीक है ये चैप्टर बच्चों इसी पे खेलता है इसी चीज पे खेलता है ये चलो भाई अब हम बहुत तरह के पोल्यूशन पढ़ेंगे लेकिन सैल पहले हम पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन ठीक है सबसे पहले हम पढ़ेंगे वायु प्रदूषण जिसने हमारा बहुत प्रॉब्लम करा हुआ है है ना वी विल राइट एयर पोल्यूशन ठीक है अब बच्चों एयर पोल्यूशन में हम लोग लिखेंगे कि एयर पोल्यूशन कौन कॉज कर रहा था वही जो मैंने आपको सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रेट के ऑक्साइड ठीक है ये सब क्या कॉज कर रहे थे नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये सब क्या कॉज कर रहे थे एयर पोल्यूशन एंड ऑल्सो पार्टिकुलेट मैटर ठीक है जी तो ये सब कॉज करते हैं बच्चों एयर पोल्यूशन जो कॉज कर रहा था उसको हमने बोल दिया था पल्यूटेंट ठीक है अब एयर पोल्यूशन से बहुत सारी दिक्कत तुम्हारी किससे हो रही है पार्टिकुलेट मैटर से हो रही है तो सबसे पहले मैं पार्टिकुलेट मैटर ही बताती हूं तुम्हें कि क्या होता है हम इसका हम इसका डेफिनेशन ही लिखवा देती हूं तुम्हें कि लाइक व्हाट इज अ पार्टिकुलेट मैटर ठीक है चलो लिखो ठीक है जी पार्टिकुलेट मैटर क्या है बच्चों इट इज वेरी टाइनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं जिनको तुम atmospheric aerosols भी बोल देते हो जिनको तुम सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर भी बोल देते हो पहले इसके दूसरे नाम भी लिखो ठीक है इसके दूसरे नाम भी लिखो क्योंकि इस नाम से भी आपको पीवाई क्यू में क्वेश्चन दिख जाएंगे सो यू विल से सस्पेंडेड एरोसोल्स सारे नाम लिखो इसके यू कैन ऑल्सो कॉल देम सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर ठीक है इसको तुम सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर भी बोल सकते हो बच्चों ये सारे इसी के नाम है दीज आर ऑल द नेम्स विच आर गिवन टू विच आर गिवन टू मैंने ब्रैकेट लगाया नहीं लगाया तो यहां पे नहीं लगाएंगे फिर इधर नहीं लगाएंगे ठीक है दीज आर द नेम गिवन टू पार्टिकुलेट मैटर सस्पेंडेड एरोजोस भी बोल सकते हो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर भी बोल सकते हो लेकिन ये होता क्या है मैम वट इज दिस ये है क्या दिस इज बच्चों छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं ठीक है in the They are microscopic, right? microscopic. Microscopic. Particles जो सस्पेंडेड है इन द एयर आर माइक्रोस्कोपिक राइट माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो सॉलिड भी हो सकते हैं लिक्विड भी हो सकते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स सॉलिड भी हो सकते हैं और लिक्विड ये नहीं सोचना कि ये हमेशा मतलब सिर्फ और सिर्फ मैम ये सिर्फ सॉलिड ही होता है नो दे कैन बी सॉलिड दे कैन बी लिक्विड दे आर सस्पेंडेड इन लिक्विड का स्पेलिंग में एक आई ज्यादा चल गया लिक्विड सस्पेंडेड इन एयर ठीक है हवा में झूल रहे हैं हवा में घूम रहे हैं हवा में लटके हुए हैं और हमें क्यों दिक्कत है बच्चों देखो अगर कोई चीज़ नीचा नीचे चली जाए सेटल हो जाए सॉयल में चली जाए तो मेरे सांस में तो नहीं आएगी ना जब मैं सांस लूँगी तो मेरे बॉडी के अंदर एंटर नहीं करेगी मेरे लंग्स में नहीं जाएगी लेकिन क्योंकि ये सस्पेंडेड है मान लो इस इस रूम में मैं अभी आऊँ और यहाँ इस जगह पर कुछ पार्टिकुलेट मैटर है सस्पेंडेड है तो जो मैं सांस ले रही हूँ वो मेरे अंदर जाएंगे मेरे लंग्स के अंदर जाएंगे इन्फ्लमेशन होगा डेथ भी हो सकता है बच्चों ठीक है डेथ भी हो सकता है इसे दे आर वेरी वेरी हार्मफुल, ठीक है जी दे कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स नाउ अब हम इतने ज्यादा परेशान क्यों हैं इनसे बिकॉज दे कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इन एनिमल्स एंड दे ऑल्सो रिड्यूस द क्रॉप यील्ड अब तुम तो बोलोगे मैम एनिमल का लॉजिक तो हमें समझ में आया कि आप बोल रहे हो कि जब हम सांस लेंगे तो हमारे लंग्स में जाएंगे इरिटेशन होगा इन्फ्लमेशन होगा ठीक है लंग्स को डैमेज करेंगे और हमारी डेथ भी हो सकती है करेक्ट चलो समझे लेकिन मैम प्लांट को कैसे अफेक्ट करेंगे प्लांट तो सांस नहीं ले रहे प्लांट का तो लंग्स नहीं है बच्चों प्लांट का लंग्स नहीं है ले, लेकिन प्लांट के भी तो अगर लीव्स के ऊपर ये बैठ गए जाके पूरा का पूरा लीव ढक गया फोटोसिंथेसिस कैसे होगा बच्चों क्या होगा पॉसिबल है क्या स्टोमेटा भी बंद हो जाएंगे कैसे क्योंकि उसके ऊपर आके कुछ 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 बैठ गया है. क्या बैठ गया पार्टिकुलेट मैटर बैठ गया कैसा होगा बोलो क्या प्लांट आपका फोटोसिंथेसिस कर पाएगा बोलिए बोलिए बच्चों इज दिस पॉसिबल इज दिस पॉसिबल यू हैव टू इंटरेक्ट विद मी व्हेन आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन यू हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन यस यस नो वेरी गुड ठीक है हाँ, तो ये असर होगा तुम्हारे प्लांट के ऊपर और एनिमल में तो तुम्हें पता ही चल गया कि भाई सांस लेने में दिक्कतें तो आएंगी है ना ठीक है तो वी विल राइट कि भाई ये जो पार्टिकुलेट मैटर है दिस कॉजेस दिस कॉजेस कॉजेस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम इन एनिमल्स एनिमल्स में बच्चों तुम भी आ गए ठीक है तुम भी एनिमल ही हो एनिमल एंड ह्यूमेन लिख लो चलो तुम्हें थोड़ा सा मैं ऊपर उठा देती हूं एंड बच्चों दूसरा ठीक है रिड्यूसड यील्ड ऑफ क्रॉप रिड्यूज क्रॉप ठीक है फोटोसिंथेसिस कम होगा तो यील्ड भी कम हो जाएगा नाउ एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड देर इज अ बोर्ड विच इज नोन एज सेंट्रल सेंट्रल पल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कंट्रोल बोर्ड ठीक है अब इनके अकॉर्डिंग इसका जो शॉर्ट है वो हम लिखेंगे सी पी सी बी ठीक है सी पी सी बी का फुल फॉर्म भी पूछने को आ सकता है भाई क्वेश्चन में याद रखना व्हाट इज सी पी सी बी इट इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन्होंने स्टडीज करी इन्होंने जो हवा थी आपकी उसको बच्चों एनालाइज करा और देखा कि ये जो सस्पेंडेड uh, पार्टिकल्स है ना इसका साइज इसका साइज इसके बारे में स्टडी करी और ये देखा कि वैसे तो बहुत टाइप के होते हैं लेकिन अपनी बुक में है नहीं और तुम्हें इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं नीड टू अबाउट अबाउट नो वन टाइप ऑफ पार्टिकुलेट मैटर उसके साइज की आपको बहुत जरूरत है एंड दैट इज कि अगर पार्टिकुलेट का साइज होता है लेस देन टू माइक्रोमीटर वो हार्मफुल हो जाएगा क्यों उससे वैसे तो 10 माइक्रोमीटर का भी हार्मफुल होता है लेकिन हम ज्यादा हार्मफुल की बात कर रहे हैं ठीक है हम ज्यादा हार्मफुल की बात कर रहे हैं जो जो 2.5 माइक्रोमीटर वाला है ना इससे कम अगर हो गया वो हवा में बहुत देर तक सस्पेंडेड रहेगा वो हमारे अंदर हमारी बॉडी के अंदर उसके आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं उसको बहुत टाइम लगेगा बच्चों नीचे सेटल होने में इतने में वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो चुका होगा ठीक है यस यस हाँ जी सोचो ठीक है चलो ओके जी ओके okay जी आ जाओ <coughs> अच्छा भाई यहां पे एक स्पैमर भी आ चुके हैं एक्चुअली इग्नोर इग्नोर ठीक है आई आई विल नॉट इवन टॉक अबाउट द स्पैमर्स दे डोंट डिजर्व इट ठीक है डोंट डिजर्व इट यस सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बच्चों ओके ठीक है तो वी विल राइट कि क्या था जो साइज उन्होंने देखा एनालाइज करा कि जो साइज आपका अगर कम हो जाए 2.5 माइक्रोमीटर से वो खतरनाक है क्यों बच्चों इतना छोटा है तुम खुद सोचो छोटी चीज को तो बहुत टाइम लगेगा नीचे बैठने में इतने में वो हमारी सांस में आ जाएगी है ना यस yes. चलो हम्म <coughs> hmm. okay, चलो ओके okay जी पार्टिकुलेट इन्होंने बोला बच्चों पार्टिकुलेट पार्टिकुलेट साइज लेस देन वेरी इंपॉर्टेंट इस पे क्वेश्चन भी आया था इस बार लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर इज हार्मफुल कौन सा साइज हार्मफुल है इज हार्मफुल इसको जरा डब्बे में डाल लेना ठीक है इंपॉर्टेंट चीज को हम ऐसे डब्बे में रख देंगे दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके पास बहुत बार आया इस बार भी आया था तो बड़ा ही जरूरी है भाई बहुत ही जरूरी है अब बच्चों हार्मफुल कैसे हो सकता है इसकी बात मैं अगली स्लाइड में करती हूँ हार्मफुल कैसे होगा एक फ्लो चार्ट बना लो ठीक है विल मेक अ फ्लो चार्ट क्या होगा कि ये जो आपका इतना छोटा साइज है वी कैन इनहेल दिस ठीक है वी कैन इनहेल दिस डीप इन टू द देन वी विल स्टार्ट विद दिस लेस देन टू पॉइंट फाइव माइक्रोमीटर कैन बी इनहेल्ड कैन बी इनहेल्ड डीप इंटू द लंग्स डीप इन टू द लंग्स लंग्स में चला गया बहुत अंदर तक चला जाएगा लंग्स में अब फिर क्या होगा फिर क्या होगा बच्चों इरिटेशन होगी ठीक है इन्फ्लेमेशन हो जाएगा इरिटेशन एंड इनफ्लमेशन ठीक है इरिटेशन एंड इनफ्लमेशन हो जाएगा मेरे बच्चों उसके बाद क्या होगा अब बच्चों दिक्कत शुरू हार्ट की सॉरी लंग की प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी ठीक है लंग डैमेज हो जाएंगे आपके लंग्स डैमेज हो जाएंगे अगर कंटिन्यूसली ठीक है अगर कंटिन्यूसली आपका इसके साथ एक्सपोजर होता गया तो आपके लंग डैमेज हो जाएंगे लंग डैमेज हो गया बच्चों तो प्री मेच्योर डेथ भी हो सकता है प्री मेच्योर डेथ भी हो सकता है तो तुम देख लो कितने खतरनाक है तो हमें कुछ करना चाहिए ना इसको ठीक करने के लिए इसको फिक्स करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है इसको ठीक करने के लिए वो तो यही होगी कि हम जो ऑटो में बिल्स वगैरह हैं उनको कम कर दें पेड़ ज्यादा लगाएं लेकिन चलो ये तो होना मुश्किल है हमने क्या करा हमने इसको फिक्स करने के लिए हमने कुछ स्ट्रेटेजीज लाए हम ठीक है इसकी कंट्रोल स्ट्रेटेजीज क्या है बच्चों वॉट आर द कंट्रोल स्ट्रैटेजीज माइंड मैप एक ही माइंड मैप में तीनों कंट्रोल स्ट्रैटेजी तुम्हारी मक्खन करने वाली हूं मैं स्ट्रैटेजीज ठीक है जी आ जाओ <coughs> तीन तरह की हैं आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस इनटू थ्री ओके ये लो कौन सी तीन तरह की पहले, पहले पहला वाला देखते हैं सबसे पहले ठीक है सबसे पहला वाला जो है उसको हम बोलते हैं स्क्रबर ठीक है उसको हम बोलेंगे स्क्रबर बाकी के भी देखेंगे बट सबसे पहला इस स्क्रबर स्क्रबर का क्या काम है तुम्हारी जो दुविधा थी थी बच्चों क्या थी आपकी दुविधा कि आपकी एयर खराब हो रही थी जैसे कि SO2 भी आ रहा था CO2 भी आ रहा था नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी आ रहे थे पार्टिकुलेट मैटर भी आए थे लेकिन हम अपनी किताब में जो पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे स्पेशली फॉर SO2 पार्टिकुलेट मैटर एक्चुअली हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे डोंट वरी इनके बारे में पढ़ेंगे लेकिन ये वाला जो है ना ये वाला स्पेसिफिकली टारगेट करेगा किसको एस ओ टू को सल्फर डाइऑक्साइड को ये टारगेट करेगा कैसे करेगा बता देती हूँ कैसे करेगा आई विल टेल यू देखो यहाँ एक डायग्राम है इसको समझो ठीक है अब आ जाओ अपनी एन सी आर टी पे ठीक है एनसीआरटी देवी पे आ जाइए बच्चों देखो ये एक आपको कंटेनर सा दिख रहा है पहले तो तुम बोलोगे मैम ये हम क्यों लगाएं देखो बच्चों जो इंडस्ट्रीज हैं जहाँ से बहुत ज्यादा यू नो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट्स एमिट हो रहे हैं तो हम इंडस्ट्रीज को बंद करना आज के जेनरेशन में आज के यू you नो know, माहौल में इज़ नॉट पॉसिबल बहुत सारी चीज़ें बनती हैं लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि हम कुछ चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं हम ये कर सकते हैं कि जो हवा बाहर जा रही है गंदी दूषित हवा उसको हम थोड़ा सा क्लीन कर सकते हैं कैसे करेंगे हम अगर वहाँ पे स्क्रबर लगा दें ठीक है अगर हम वहाँ पर स्क्रबर लगा दें तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है अब देखो स्क्रबर क्या है दिस इज द सेटअप ठीक है ये सेटअप है स्क्रबर का क्या हो रहा है बच्चों देखो यहां से आई डर्टी एयर मैं खुद बना देती हूं चलो आई विल मेक इट माय सेल्फ स्क्रबर में क्या होगा यहां से आई गंदी हवा दूषित हवा आई इधर से पतला पेन लेते हैं पतला पेन मैं खुद से बना रही हूं ये आई तुम्हारी दूषित हवा के लिए हम अगर किसी को बनाना तो बना लेना ठीक है अदरवाइज एनसीआरटी में तो बना ही हुआ है तुम्हारी मर्जी है यार ठीक है ना समथिंग लाइक दिस द स्क्रबर इज गोना रुक समथिंग लाइक दिस ऐसा कुछ दिखेगा तुम्हें यहां से हो जाएगी एंट्री ऑफ दूषित हवा ठीक है यहां से कौन सी जाएगी बच्चों आपकी पल्यूटेड एयर पल्यूटेड एयर चली गई ठीक है पॉल्यूटेड एयर यहां से चली गई चली गई okay. ओके अब हम क्या करते हैं कि यहां बारिश करेंगे ठीक है बारिश किसकी करेंगे या तो पानी या फिर पानी की या फिर बच्चों लाइम वाटर की ठीक है या तो वाटर होगा या फिर लाइम वाटर होगा <laughs> इधर जाएगा लाइम और वाटर ठीक है अब देखो क्या हो रहा था तुम्हारी यहां से गंदी हवा आ रही थी उस हवा को अगर ये नहीं लगाओगे ना स्क्रबर तो वो हवा ऐसे के ऐसे एटमोसफेयर में चली जाएगी ठीक है पोल्यूशन को और भी ज्यादा बढ़ा देगी लेकिन हमने क्या करा बिफोर द एग्जिट ऑफ दैट गंदी हवा उस गंदी हवा को बाहर जाने से पहले हमने क्या करा उसको नहला दिया किससे या तो पानी से या फिर लाइम से उससे क्या होगा बच्चों जो इस हवा में एस ओ टू था इस हवा में जो एस ओ टू था दैट विल नॉट एग्जिट इन टू द एटमोस्फियर क्यों बिकॉज दिस कम्बाइन बच्चों और नीचे चला जाएगा लेकिन तुम्हारे बाहर एटमोस्फियर में नहीं जाएगा ठीक है इट विल नॉट बिकम द पार्ट ऑफ एटमोसफियर हाँ जी, बोलो बच्चो बोलो 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 कम ऑन कमऑन कम ऑन लेटवी नो क्या इतनी बात सबको समझ में आई यस बच्चो सारे बच्चों को समझ में आई yes, बच्छो, लाइम वाटर लगा सकते हो बच्चों या वाटर लगा सकते हो एनी वे इट इज गोइंग टू रिएक्ट विद रियक्ट विदोटू ठीक है जो गैस फॉर्म में था ना वो उसके साथ रिएक्ट करके उसको लिक्विड फॉर्म में ले आएंगे और वो नीचे चला जाएगा द द लॉजिक लॉजिक इज इज दिस दिस ओनली ओनली ठीक है सिंपल कि भाई हम इसको रिएक्ट करा देते हैं या तो पानी के साथ या लाइम के साथ ये बाहर नहीं जाएगा लिक्विड बन के नीचे कलेक्ट कर लो इसको तुम तो, नीचे इकट्ठा हो जाएगा लेकिन इट विल नॉट बिकम पार्ट ऑफ एटमोसफेयर समझे बच्चों समझे हाउ इज स्क्रबर एक्टिंग स्क्रबर में आपको दो ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेरी गारंटी है इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा मेरी गारंटी है दो क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे स्क्रबर को आप किस लिए यूज कर रहे हो टू रिमूव एस ओ टू एस से स्क्रबर एस से टू डन एंड डस्टेड ओके दे कैन आस्क यू कि भाई स्क्रबर में आप कौन सी चीज यूज कर रहे हो यू विल से लाइम और वॉटर समझे इसके अलावा कोई और क्वेश्चन तुमसे नहीं पूछने वाला स्क्रबर में ठीक है जी यस यस ओके, okay. <coughs> बच्चों ये, 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 तो ये दूषित हवा फिर तुमने क्या स्प्रे करा तुमने वाटर या लाइम स्प्रे कर दिया ठीक है अब ये जो हवा थी इस हवा में एसोटू नहीं होगा तुम इसको बाहर निकाल सकते हो ठीक है इस हवा में SO2 टू नहीं होगा तुम इसको बाहर निकाल सकते हो डन एंड बच्चों क्योंकि तुमने स्प्रे करा है किसी चीज का पानी का या लाइम का इसकी वजह से जो पार्टिकुलेट मैटर था थोड़ा बहुत वो भी नीचे आ जाएगा ठीक है so, सो पार्टिकुलेट मैटर भी थोड़ा बहुत नीचे आ जाएगा बट स्पेसिफिकली यू यूज दिस फॉर एसओ टू यू यूज दिस टू रिमूव एस ओ टू तो ये लिखने ना यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सो दिस रिमूव एस ओ टू एंड इट यूज इज यूज इज वाटर और लाइम आपने किसका स्प्रे करा था बच्चों वाटर या लाइम का स्प्रे करा था मैं यहाँ से हटा देती हूँ इसको एंड वी विल डू वन थिंग कि इधर से हम स्प्रे करा देंगे ठीक है हम इधर से स्प्रे करा देंगे ताकि वहाँ से हमारी शुद्ध हवा एस्केप हो जाए ठीक है यहाँ से क्लीन एयर चली गई क्लीन एयर क्योंकि हमने यहाँ क्या करा यहाँ पे हमने स्प्रे कराया किसका किसका स्प्रे कराया बच्चों वाटर और लाइम का तो यहां पे सीओ टू नहीं जाएगा बाहर सीओ टू नहीं जाने वाला क्या ओके 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 चलो ठीक है बच्चों अब आ जाओ दूसरी स्ट्रैटेजी हमने क्या अपनाई दूसरी स्ट्रैटेजी क्या अपनाई तुमने दूसरी स्ट्रैटेजी थी इलेक्ट्रॉनिक प्रेसिप इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर ऑरेंज कलर से लिखा है ठीक है तो यहां पे ऑरेंज कलर से लिख रही हूँ इलेक्ट्रोस्टेटिक इलेक्ट्रो स्टैटिक प्रेसिपिटेटर ये बड़ा आसान है बट हमें वो डायग्राम ना समझ में नहीं आता मैम कोई बात नहीं मैं समझा ठीक है क्या होगा अच्छा देखो इस, इसको समझने के बस तो सिंपल सी बात समझो <coughs> ठीक है इसको समझ के बहुत ही आसान बात समझो कि जब भी हम पहले मैं इसको उठा के यहां रख देती हूं बच्चों जब आप अब एक एक स्केल तुम्हारे पास स्केल होगा अभी ठीक है जिससे तुम लाइन वगैरह खींचते हो उसको अपने बालों में ऐसे 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 करो करके देखो यार अभी के अभी एक्सपेरिमेंट करो क्लास में बिल्कुल ऐसे ऐसे करोगे तो तुम्हारे बाल थोड़ी देर में उसके ऊपर चिपकने लग जाएंगे चिपक रहे हैं? करो करो करके बताओ हाँ जी बताइए बोलिए <coughs> बोलो बच्चों अच्छा टू ऑल द गार्गियंस जो मेरे सेशन में बहुत ही ध्यान लगा के बैठे हैं बहुत ही मतलब शिद्दत के साथ बैठे हैं बच्चों डू नॉट एंगेज योर सेल्फ विथ स्पैमर्स मत करो दे डोंट डिजर्व इट तुम उसे खाना दे रहे हो यार उसको खा, उसका खाना क्या है उसका खाना ये है कि मुझे अटेंशन मिल जाए तुम मत दो उसे खाना वैनिश हो जाएंगे हम बैक्टीरिया को कैसे मारेंगे हम फंगस को कैसे मारेंगे हम किसी चीज़ को कैसे मार सकते हैं खाना मत दो उसको वाई आर यू फीडिंग खतम चलो जी यस yes. हाँ हुआ करा आपने एक्सपेरिमेंट करा ये स्केल लिया और उसको ऐसे ऐसे करो और फिर तुम्हारे बाल चिपकने लग जाएंगे चिपके चिपके हां चिपके अब बच्चों तो यहीं पे ये चीज करनी है हमें सिंपल इसको क्या बोलते हैं ये क्या हुआ ये भी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका वो बना ना उसकी वजह से चिपकने लग गया तो यहां पे भी यही करना है यार टेंशन क्यों लेने का टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का है लेकिन पहले मैं लिखवा देती हूँ अच्छा चलो पहले मैं ड्रॉ करती हूँ ठीक है मैं ड्रॉ करके समझाई देती हूँ पहले तुम्हें कि क्या होने वाला इदर? है इधर है ना यहां क्या होता है बच्चों यहां पे हमने हमारा जो सेटअप होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का जो सेटअप होता है ठीक है यस ओके योगिता बच्चे लीव इट लीव इट बच्चे एक बात बताओ आपने कितने सारे आ, मैं सिर्फ ना कुछ थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं तुम्हारा एक मिनट ले रही हूं और क्यों क्योंकि तुम्हारे लिए बड़ा जरूरी है ये, ये वाली जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ ना बहुत ज़रूरी है मान लो अगर कोई यहाँ आके मुझे कुछ बोलता है उल्टा सीधा बोल रहा है और मैं उसके साथ एंगेज हो जाऊँ कि तुम मुझे ऐसा कैसे बोलो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम क्या समझते हो ये हो आई मीन सीरियसली वो वो कितना बुरा होगा कि मैं उसके साथ एंगेज हो जाऊँ तुम्हारी पढ़ाई खराब ठीक है मैं जिस चीज़ के लिए इतनी मेहनत करके लेक्चर प्रिपेयर करके आई हूँ वो खराब मैं यहाँ खड़े होकर मेहनत कर रही हूँ वो खराब क्यों करना है यार वो कि कोई आके मुझे कुछ बोलता है क्या मैं वो बन जाऊंगी कोई आके तुम्हें कुछ बोलता है क्या तुम वो बन जाओगे नहीं बनोगे लीव इट ठीक है बस लास्ट बार बोल रही हूँ लीव इट राइट ठीक है बस अपन लोगों को नहीं ध्यान देना यार बच्चों इस पर बिल्कुल ध्यान ही दे इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन क्रैकिंग योर नीट बस खत्म बात आप बस वो चीज़ें करा करो जिससे तुम्हें हेल्प हो बाकी चीज़ें मत करो और मैं भी वही करूंगी ना जिससे तुम्हारी हेल्प हो ठीक है इसलिए आई इग्नोर देम ओके okay. तो देखो कितनी मज़ेदार बात बताई मैंने अभी तुम्हें कि तुमने स्केल लिया ऐसे 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 अपने बालों पे लगाया तो क्या तुम्हारा वो चिपका तुमने बोला हाँ मैम चिपका अब बस हमें यहाँ पे भी चिपकानी है चीज़ें बच्चों कुछ भी नहीं करना है तुम ऐसे ही टेंशन लेते हो कुछ भी नहीं करना चिप चिपकानी है, चिपका है चीज़ें हमें और चीज़ों को कैसे चिपकाएंगे देखो सो दिस इज द सेटअप ऑफ अ इलेक्ट्रोस्टैटिक यार मैंने तो टूल्स यूज़ करे थे ये क्यों नहीं आ रहा है दिस इज द सेटअप ऑफ अ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ठीक है इक्वल बना लेना मैं मेरा थोड़ा अनईक्वल सा हो गया यस ओके चलो हाँ जी ओके बच्चों चलो देखो ना ये ये जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है ना यहाँ पे हम रखेंगे कुछ हम रखेंगे यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोड्स ठीक है अब उनको हम चार्ज कर देंगे बहुत ज्यादा चार्ज कर देते हैं बच्चों मतलब पागल वाला चार्ज कर देते हो कितना थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट्स पे रखने वाले हैं ये जो आपके चार्ज्ड वायर होते हैं ना दे आर एट थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट अगर इतना ज्यादा चार्ज कर दोगे किसी चीज को ठीक है यहां पे हमने रखे हैं देखो यहां पे हम बना देती हूँ तुम्हारी बुक में जैसे बनाया ना वैसे ही बना लेंगे हम भी यहां पर हमने ये वायर रख दिए आर चार्ज वायर्स ठीक है चार्ज वायर्स ये लोग यहां पर भी रख देते हैं तो दीज आर ये कैसे wires है वायर्स कै? है तुम्हारे वायर्स हैं चार्ज है बहुत हाई वोल्टेज पे है ठीक <coughs> है जी एंड दीज आर योर नेगेटिवली चार्ज वायर्स हाई वोल्टेज पे थाउजेंड पे है अब क्या होता है जब कोई चीज़ इतनी ज़्यादा चार्ज हो जाती है तुमने क्या करा तुमने ऐसे 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 करके बहुत देर करा इतना ज़्यादा चार्ज कर दिया कि आयोनाइजेशन हो गई क्या हुआ बच्चों आयोनाइजेशन हो गया आयोनाइजेशन हुआ तो इससे यहां से आपके इलेक्ट्रॉन्स निकलने शुरू हो गए राइट उसी को तुम क्या बोलते हो डिस्चार्ज कोरोना उसको क्या बोला जाता है डिस्चार्ज कोरोना बोला जाता है उसको मतलब मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे एस अगर ऑरेंज कलर में कुछ बना दूँ ये क्या है ये है तुम्हारा डिस्चार्ज कोरोना इतना ज्यादा तुमने उसको चार्ज कर दिया कि इलेक्ट्रॉन्स कूद कूद के बाहर इसको बोला तुमने डिस्चार्ज कोरोना क्या बोला हमने इसको डिस्चार्ज कोरोना इतनी बात समझ में आ गई यस बच्चों इतनी बात समझ में आ गई <coughs> बोलो बोलो ये सो नो ये सो नो बता दीजिए बता दीजिए फटाफट से बता दीजिए हां जी हाँ जी बोलो तो बच्चों ये जो मैंने ग्रीन ग्रीन यहां पे बनाया ना दीज आर योर वायर्स ये जो ग्रीन दोबारा से बता देती हूँ आपको रुको बड़ा डायग्राम बना देती हूँ देखिए <coughs> <coughs> बड़ा सा डायग्राम बनाती हूँ लेट अस से दीज आर द वायर्स ठीक है मान लो ये वायर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा वोल्टेज पे तुमने रखे हुए हैं अब वायर्स इतनी ज्यादा वोल्टेज पे थे कि आपका आयोनाइजेशन होने लगा ठीक है ये लो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल आए ये जो मैं ऑरेंज कलर का चीज बना रही हूं दिस इज वॉट इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं तो दिस इज नोन एज अ डिस्चार्ज कोरोना इसी को तुम बोलोगे डिस्चार्ज कोरोना ये जो ग्रीन वाली चीज है बच्चों दैट इज द वायर जिसको तुमने बहुत चार्ज कर दिया है थाउजेंड्स ऑफ वोल्ड पे है एंड ये जो ऑरेंज वाली चीज है दिस इज वॉट इसको नीचे लिख रही हूँ क्योंकि ऊपर मुझे जगह चलो यहां पे लिख देती हूँ इज योर डिस्चार्ज कोरोना ठीक है दोनों चीजें समझ में आई कोरोना क्या है डिस्चार्ज कोरोना क्या है इज द्लियर टू यू इज इलियर टू यू बताओ बताओ ठीक है थोड़ा सा फिजिक्स है इसमें फटाफट पड़ से बता दो बोल दो बच्चो बोल दो ये बात समझ में आई यस ओके सुमन थैंक यू रंजू थैंक यू थैंक यू ओके यस कोमल ओके चलो ग्रेट 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 ठीक है इलेक्ट्रॉन्स निकल आए क्योंकि इतना ज्यादा चार्ज हो रही थी तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे भाई आयनाइजेशन तुमने इतना ज्यादा चार्ज दे दिया है उसको थाउजेंड वोल्ट पे रखा है तो वो तो निकलेंगे ही ना नाउ दिस इज नेगेटिवली चार्ज अब तुम्हारी आएगी दूषित हवा ठीक है अब कौन आया एंटर्स एंटर्स हु दूषित हवा डर्टी एयर ठीक है आ गई अब डर्टी एयर को हम सफेद रंग से बना देते हैं चलो ये ये लो ये हमने सफेद रंग से बना दी बच्चों दूषित हवा ठीक है अब क्या होगा जब ये दूषित हवा यहां से गुजरती है ना इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ठीक है जब ये यह यहां से गुजरेगी ना बच्चों इसके पार्टिकल्स के ऊपर क्या आ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स चिपक जाएंगे ठीक है वाई बिकॉज नेगेटिवली चार्ज है और जो आपकी डर्टी एयर आ रही है दैट इज नॉट नेगेटिवली चार्ज वो नेगेटिवली चार्ज नहीं है तो ये क्या करेंगे इसके ऊपर चिपक जाएंगे क्या हो रहा है अब ये चिपकना शुरू हुआ आर द थिंग्स टू ईच अदर ठीक है वही होता है जब आप अपने बालों पे रब करते हैं कोई चीज जैसे कि स्केल वगैरह तो वो भी इसीलिए चिपकता है बच्चों राइट नाउ जैसे यहाँ से डर्टी एयर पास होगी जैसे यहाँ से डर्टी एयर पास हुई बच्चों वैसे आपके ऊपर जो डर्टी एयर थे डस्ट पार्टिकल थे ये क्या थे दी ज्यादा डस्ट पार्टिकल दी ज्यादा डस्ट पार्टिकल ठीक है पार्टिक्युलेट मैटर भी हो सकता है ये तुम्हारा पार्टिकुलेट मैटर अब क्या होगा अब आपने एक और सेटअप करा हुआ है आप इतना आसानी से हार नहीं मारने वाले हो आपने एक और सेटअप करा हुआ है यहां पे यहां पे आपने लगाई हुई है बच्चों ग्राउंडेड प्लेट्स ठीक है ग्राउंडेड प्लेट्स का जो इसके ऊपर जो चार्ज होगा ना वो जीरो होगा मुझे बताना आप तो फिजिक्स पढ़ते हो ग्राउंडेड प्लेट्स के ऊपर बच्चों चार्ज कितना होता है जीरो होता है तो ये बहुत नेगेटिव चार्ज होकर डस्ट पार्टिकल आ रहे हैं वो ज़ीरो के ऊपर चिपकेंगे या नहीं चिपकेंगे बताओ चार्ज का डिफरेंस है ना यहाँ पे ज़ीरो है ये ग्राउंडेड प्लेट्स हैं और यहाँ से जो आपके डस्ट पार्टिकल आ रहे हैं किसके ऊपर चिपके हुए उसके ऊपर क्या चिपका हुआ मैं ये बना ही देती हूँ रुको एक सेकेंड दिस इज योर डस्ट पार्टिकल कैसा था सफ़ेद रंग का बनाया था ना हमने अब इसके ऊपर अगर हम चिपका दें तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स ये रुको इलेक्ट्रॉन्स हमने बनाए थे ऑरेंज कलर के तो इसके ऊपर ऐसे ऐसे करके हम ऑरेंज कलर के इलेक्ट्रॉन चिपका देते हैं चलो अब ये भी क्या हो गए बच्चों नेगेटिवली चार्ज हो गए ये डस्ट पार्टिकल आपके हो गए नेगेटिवली और मैंने यहां पे क्या लगाया है मैंने यहां पे लगाया है ग्राउंडेड प्लेट्स ठीक है प्लेट्स आर ग्राउंडेड प्लेट ग्राउंडेड है ग्राउंडेड डन तो अब क्या होगा सिंपल सी बात है यार यहां से अगर कोई नेगेटिव चीज निकल रही है और ये चीज के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो वो चिपकेगा या नहीं चिपकेगा बच्चों ठीक है वो चिपकेगा या नहीं चिपकेगा यस yes. चिपकेगा ना यस yes. चिपकेगा ना बिल्कुल चिपकेगा ठीक है यही होता है बस हमें क्या चाहिए था हमें ये चाहिए था कि जो डस्ट पार्टिकल थे यहां पे चिपक के कलेक्ट हो जाए ठीक है तो ये यहां चिपक जाएंगे अब हम क्या करेंगे इनको यहां चिपका देंगे वी विल मेक इट लाइक दिस ऐसे करके चिपका देंगे ये लो डस्ट पार्टिकल बच्चों यहां चिपक गए अब जो तुम्हारी हवा थी जो तुम्हारी हवा थी वो कैसी जाएगी क्लीन एयर बाहर चली जाएगी योर एयर विल बी क्लीन एयर अब क्या गंदी हवा बाहर गई बताइए दिस इज योर प्रेसिपिटेटर ऐसे काम करता है आपका इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर ये मेरे को तुम्हारी चार्ट्स क्यों नहीं दिख रही ओके ठीक है हाँ, okay. बच्चों चलो फिर से देखो फिर से देखो क्या हुआ क्या हुआ फिर से देखिए कि हमने ये है मारा एक का हमने एक कुछ wires, जो थे पे, मैं पे लिख भी देती पे है, पे है। इतना ज्यादा तुम अगर किसी को चार्ज दे दोगे तो भाई वो क्या करेगा आयनाइजेशन होनी शुरू हो जाएगी है ना इसके भी इलेक्ट्रॉन्स निकलने शुरू हो गए और तुमने क्या करा तुमने यहां से हवा चला दी कौन सी गंदी हवा जिसके अंदर पार्टिकुलेट मैटर था अब पार्टिकुलेट मैटर क्या करेगा पार्टिकुलेट मैटर के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन चिपकने लग गए क्यों <coughs> इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज ठीक है फिर तुमने ये प्लेट रख दी बच्चों जो कि ग्राउंडेड थी ग्राउंडेड प्लेट का जो आ, चार्ज होगा दैट इज जीरो ये नेगेटिव जा रहा है और ये जीरो है ये तो इसके ऊपर चिपकेगा ही चिपकेगा तुम रोक ही नहीं सकते उस चीज को देयर इज डिफरेंस ऑफ चार्ज जहां पे चार्ज का डिफरेंस हो चीज चिपकेगी ही चिपकेगी है ना तो अभी ये इसके ऊपर चिपक गई तुम इसको कलेक्ट कर लो इसको तुम यू नो यू कैन जस्ट डिस्चार्ज इट एंड जो आपकी हवा यहां से निकलेगी बच्चों वो कैसी होगी साफ हवा होगी ठीक है ठीक है जी <coughs> साफ हवा होगी डन बच्चों डन क्या इतनी बात सबको समझ में आई फटाफट से बता दो फटाफट से बता दीजिए क्या इतनी बात आपको समझ में आई इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज क्लियर टू एवरीबडी यस ओके यस 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 इज वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ग्रेट 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 चलो आगे बढ़े आ जाओ सो so, अब हमें यह पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर किस लिए यूज होता है ये क्या रिमूव कर रहा है बच्चों बताओ मुझे फटाफट से क्या रिमूव कर रहा है प्रेसिपिटेटर इज रिमूविंग वो टाइप ऑफ पल्यूटेंट किस तरह का पॉल्यूटेंट रिमूव कर रहा है yes. yes. yes, yes, yes. फटाफट से बताओ किस तरह का किस तरह का इसका नाम क्या है इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर तो ये क्या रिमूव कर रहा है यहां पे तुमने क्या रिमूव करा बच्चों पार्टिकुलेट मैटर ठीक है इट इज रिमूविंग पार्टिकुलेट मैटर तो अब आ जाओ असली क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा इट रिमूव ग्रीन कलर से लिखा है ना अरे पतले वाला पेन आ गया रुको 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 रिमूव पार्टिक्यूलेट मैटर ठीक है कितना नाइनटी नाइन परसेंट कितना क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि नब्बे परसेंट निकाल देता है बाकी रह जाता है तो याद रखना नहीं भाई नाइनटी नाइन परसेंट रिमूव कर देता है तो बड़ा ही इफेक्टिव है बहुत ही इफेक्टिव है अब आ जाओ तुम लास्ट पे ठीक है अपना लास्ट जुगाड़ क्या है लास्ट जुगाड़ है बच्चों उसको हम बोलते हैं वी कॉल इट वी कॉल इट कैटलिटिक कन्वर्टर ठीक है it, हम उसको क्या बोलते हैं कैटलिटिक कन्वर्टर ये भी बड़ा अच्छा है ओके कैटालिटिक कन्वर्टर में क्या होगा कैटालिटिक कन्वर्टर में जो ये ऑटोमोबाइल्स है ना जहाँ से धुआं हुआ निकलता है अब यार मेरे लेग्स में बहुत दर्द हो रहा है कांट स्टैंड नाउ कांट स्टैंड आई एम गोना सिट नाउ ठीक है मैं बैठने वाली हूँ ओ गॉड ओ गॉड ओ गॉड चलो हाँ केमिस्ट्री लग रहा है है ना मैम अभी थोड़ी देर पहले आपने फिज़िक्स का बता दिया था अभी आप केमिस्ट्री पे आ गई हो मैम ये क्या हो रहा है आज इन्वायरमेंटल इश्यूज़ में हम क्या पढ़ रहे हैं अच्छा पहले तो सब लोग पानी पी लो प्लीज़ प्लीज़ ड्रिंक वाटर एवरीबडी कम ऑन एवरीबडी ड्रिंक वाटर कितनी बात बोलती हूँ जब मैं पानी पीऊँ तो तुम भी पानी पियो और जब मैं बैठ जाती हूँ तुम खड़े हो जाए करो बिकॉज़ तुम बहुत देर से बैठे होगे यू नीड टू स्टैंड ओके ठीक है हाँ जी स्नेहा जल्दी आएगा स्नेहा अभी ठीक है बहुत सारी प्लानिंग करनी होती है देखो बच्चों बैच बनाने से पहले ना अब वो चल रहा है जैसे ही होगा पता चलेगा तुम्हें सबसे पहले पता चलेगा और मेरे दो जो ऑलरेडी ऑलरेडी चल ही रहे हैं वहां पे तो तुम क्लासेस लगाओ ठीक है चलो आ जाओ कैटेलिटिक कन्वर्टर पे आ जाओ कैटेलिटिक कन्वर्टर बच्चों किस लिए बना है इधर भी हम छोटू सा एक माइंड मैप सा बना लेंगे ताकि इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर रही हूँ हल्का सा इधर शिफ्ट कर रही हूँ बिकॉज देन वी विल हैव सम स्पेस तुम्हारे पास तो यार बन जाता है मेरे पास नहीं बन पाता है ना स्पेस चलो ठीक है कैटेलिटिक कन्वर्टर हमने क्यों यूज़ करा क्योंकि भाई हम ये जो पोल्यूशन मच रहा है ये जो ऑटोमोबाइल से निकल रही हैं चीजें मैम ये तो आपने बोला कि इंडस्ट्रीज में हम लगा देते हैं ठीक है लेकिन हम उसका क्या करें जो बाइक से निकल रहा है जो गाड़ी से निकल रहा है उसके लिए भी तो कुछ सोल्यूशन होना चाहिए येस yes, बच्चों उसके लिए भी एक सोल्यूशन है हमारे पास एंड दैट इज नोन एज कैटलिटिक कन्वर्टर ये क्या करेगा देखो एक माइंड मैप बनाओगे तो अस से दिस इज द केटालिटिक कन्वर्टर ठीक है मान लीजिए ये है आपका कैटालिटिक कन्वर्टर कैटालिटिक कन्वर्टर किस चीज से बना होता है एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है इसके अंदर आप क्या यूज करते हो बच्चों रोडियम ठीक है इसके अंदर हम बहुत महंगी महंगी चीजें यूज करते हैं प्लैटिनम प्लैटिनम पैलेडियम पहली बात तो यही किस किस चीज से बना होता है बहुत महंगी चीजों से रोडियम प्लैटिनम एंड पलेडियम इससे बना हो सकता है दूसरी चीज़ क्योंकि मेरे को भाई ऐसा मेटल चाहिए जो थोड़ा सा रिएक्ट ना करे दूसरी चीज़ ये काम कैसे करेगा नाउ द फंक्शनिंग वी आर टॉकिंग अबाउट द फंक्शनिंग अब क्या होता है ना जो आपके ऑटोमोबीज होते हैं इनसे जो धुआं निकल रहा है वो धुएं के अंदर होते हैं पूरी तरह से ना जले हुए हाइड्रोकार्बन्स अनबर्नड हाइड्रोकार्बन्स बच्चों जो बाद में जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ठीक है वही आ, पार्टिकुलेट बनाएंगे और फिर हमारे सांस के थ्रू हमारे लंग्स में आ जाएंगे दिक्कत करेंगे वी डोंट वॉन्ट दैट वी डू नॉट वॉन्ट दैट तो एक तो इसमें होंगे अनबर्नड अनबर्नड हाइड्रो कार्बन ठीक है दूसरा इसके अंदर क्या जा रहा है बच्चों आपका जो ऑटोमोबाइल का एग्जॉस्ट होता है उसमें क्या होता है और उसमें होता है सीओ टू इसको और छोटा कर दिया जाए तो हाँ इतना ठीक है सीओ टू होगा और क्या होगा बच्चों नाइट्रोजन के ऑक्साइड ठीक है नाइट्रोजन के ऑक्साइड होंगे नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह होंगे चलो जी अब इनसे मैं कैसे छुटकी छुट्टी पाऊं छुटकारा कैसे पाऊं देखो बच्चों जब आपका कन्वर्टर काम करता है वो इन सब चीजों को कन्वर्ट करने वाला है कैसे यहां पे कुछ केमिकल रिएक्शंस होने वाली हैं जिसकी वजह से ये सोल्यूशन आपका निकल आएगा कैसे जो आपके अनबर्ट हाइड्रोकार्बन्स थे वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू CO2 प्लस एच टू ओ में ठीक है अनबर्न हाइड्रोकार्बन से तो ठीक है एच टू ओ और सीओ टू बन जाए वो ठीक है एंड जो आपका ओ आई एम सॉरी दिस इज कार्बन मोनोक्साइड ठीक है कार्बन मोनॉक्साइड जो था वो कन्वर्ट हो जाएगा सीओ टू में जो बच्चों आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड थे नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह था वो कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोजन में तो नाइट्रोजन भी हम यूज कर लेंगे वाटर का कोई वो नहीं है वाटर पेपर बन गया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी सीओ टू चलो इससे तो कम हानिकारक है तुम बोलोगे मैम सीओ टू भी तो बन रहा है लेकिन बच्चे अगर मेरे को कंपेयर करना हो कि मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए या मुझे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो मैं बोलूंगी ठीक है कोई बात नहीं आप डाइऑक्साइड बना दो मोनोऑक्साइड तो बहुत ज्यादा डेंजरस है राइट ठीक है बहुत ज्यादा डेंजरस है सो दिस इज द फंक्शन ऑफ योर कैटालिटिक कन्वर्टर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा किस चीज से बना है क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहां पे अनबंट हाइड्रोकार्बन का क्या हो रहा है तुम बोलोगे सीओ टू एंड एच बन रहा है क्वेश्चन पूछा जाएगा कार्बन मोनॉक्साइड का क्या बन रहा है तुम बोलोगे सीओ टू बन रहा है क्वेश्चन पूछा जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या बन रहा है तुम बोलोगे नाइट्रोजन बन रहा है ठीक है यस ठीक है जी ओके गुड 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 नाउ बच्चों किस चीज़ में यूज़ होगा मुझे कलर देखने दो मैंने ग्रीन कलर ही यूज़ करा है तो यहाँ पे भी ग्रीन कलर से ही लिखेंगे इसकी इन्फॉर्मेशन किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है <laughs> मुझे जो यहाँ पे सी ओ कार्बन मोनाक्साइड बन रहा है नाइट्रोजन के ऑक्साइड बन रहे हैं अनबर्न हाइड्रोकार्बन है आई एम गेटिंग रिड ऑफ दोज ठीक है एंड बच्चों इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे आपको कैटालिटिक कन्वर्टर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको पेट्रोल कैसा यूज़ करना चाहिए लेडेड या अनलेडेड ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो वेरी इंपॉर्टेंट यूज ऑफ अनलेडेड पेट्रोल आपने पढ़ा भी होगा लिखा होगा पेट्रोल पंप वगैरह पे कि ये अनलेडेड पेट्रोल है क्यों यूज कर रहे हो तुम क्योंकि अगर आप लेड यूज करते हो ना बिकॉज इफ यू यूज लेड दैट इज गोइंग टू इनएक्टिवेट द कैटालिटिक कन्वर्टर ये काम ही नहीं करेगा अगर आपने लेड यूज कर लिया आपका कैटेलिटिक कन्वर्टर खराब हो जाएगा सो यू राइट लेड इनएक्टिवेट्स कैटेलिटिक कन्वर्टर ओके इतनी बातें इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं पूछने वाला तुम्हें एक पेज पे मैंने आपको सारी की सारी स्ट्रैटेजीज़ करा दी हैं, विद डायग्राम्स एंड विद सम डायग्राम्स विच आर नॉट इवन गिवन इन द बुक हाँ हाउ अबाउट दैट बच्चो हाउ अबाउट दैट यस ठीक है बताइए हम अनलेडेड पेट्रोल क्यों यूज कर रहे हैं क्योंकि अगर मैंने लेड यूज़ करा तो वो मेरे इस कैटालिटिक कन्वर्टर को खराब कर देगा और ये जो मेरी चीज़ें कन्वर्ट हो रही हैं ना इनटू हार्मलेस वो नहीं हो पाएंगी डन मेरे को मराठी नहीं आती मुझे मराठी नहीं आती बच्चों इज दिस क्लियर टू एवरी बड्डी कैन वी मूव ऑन ओके यस वचो ओके चलो नहीं हो गया सब सब संतुष्ट हैं विद दिस आज मैं चाहती हूँ कि हम एयर पॉल्यूशन के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको खत्म कर लें ठीक है आज मैं एयर पॉल्यूशन का काम तमाम कर देना चाहती हूँ ओके okay? चलो दिस इज द ब्यूटी ऑफ यू एंड योर लेक्चर थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच बच्चे थैंक यू सो मच ठीक है ये आई रियली होप कि आपके नोट्स में मैं बच्चों नोट्स आपको पता कैसे बनवाती हूँ कि जो बहुत ही सिंपल हो जाए मतलब जब आप पढ़ो ना तो ऐसा लगे कि ये तो बहुत आसान है ठीक है इसलिए मैंने मैं मेरा गोल होता है कि माइंड मैप से एक ही पेज पर सारी चीज़ करवा दी जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा सो दैट यू डोंट फील लाइक ही ओवरवेलमिंग ना रहे तुम्हारे लिए बार आगे का भी सोचना पड़ता है ये नहीं है कि सिर्फ तुम्हें आज समझ में आए ये भी सोचना होता है कि आगे जाके जब तुम इस चीज को पढ़ो नोट्स को उठाओ तो तुम्हें ईजी लगे आसान लगे ठीक है चलो ओके <coughs> अच्छा <Okay. laughs> चलो आ जाओ गप्पे वप्पे बाद में मारेंगे ठीक है नीट के बाद में गप्पे मारेंगे जो तुम इधर उधर की बातें पूछ रहे हो ना मुझसे वो मैं बाद में बताऊंगी तुम्हें अभी नहीं आज नहीं है बच्चों आज वो टाइम नहीं है आज हम करेंगे नॉइज पोल्यूशन के बारे में भी कुछ बातें बता देती हूँ ठीक है पहले नॉइज पोल्यूशन को अलग ही समझा जाता था अब हमने क्या कर लिया नॉइज पोल्यूशन को एयर पोल्यूशन में ही ऐड कर लिया ठीक है नॉइज एज एयर पोल्यूशन हमने सोचा कि भाई इसके लिए अलग से क्या बनाया जाए इसको भी एयर में ही ऐड कर देते हैं तो इस पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका एयर एक्ट था एयर पोल्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट एयर प्रिवेंशन एंड देखो यहां पे एयर ये पतला क्यों हो रहा है पैन एयर प्रिवेंशन एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन इसको ब्रैकेट में लिखते हैं ठीक है एंड एंड इसको ब्रैकेट में लिखते हैं बच्चों एंड एक्ट 1981 ठीक है लेकिन हमने इसको अमेंड कर दिया अमेंड कर दिया मतलब इसमें कुछ चेंजेस लाए अमेंड करने का मतलब है कुछ चेंजेस लाए डरना नहीं है अमेंड करना मतलब चेंजेस लाए अमेंडेड अमेंडेड इन द ईयर किस ईयर में करा था 18 एटी सेवन में था नहीं एटीन एटी सेवन कैसे होगा अरे नाइनटीन अरे क्या कर दिया मैम आपने सॉरी नाइनटीन एटी सेवन में बच्चों हमने इसे एमेंड कर दिया था और इसको नॉइज पोल्यूशन इसी में इंक्लूड कर लिया था अमेंडेड एंड noise पोल्यूशन इंक्लूडेड ठीक है इंक्लूडेड ठीक है जी फिर ये हमारा हो गया था कि यहां पर जब हम नॉइज पोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो मतलब हम एयर पोल्यूशन में ही उसको डाल देते हैं ये याद रखना है इस पर क्वेश्चन पूछा गया कि आपने कब अमेंड करा था कब नॉइल नॉइज पोल्यूशन इसके अंदर हमने ऐड कर दिया था डन ठीक है अब नॉइज पोल्यूशन की अगर बात करें तो मोस्टली तो 80 डेसिबल से हम मेजर करते हैं नॉइज पोल्यूशन को डेसिबल बच्चों इज कितना ज्यादा आपको आवाज आ रही है तो 80 से ऊपर 85 से ऊपर जो भी होता है ना दैट इज कंसिडर्ड नॉइज ठीक है अबव 80 और 85 फाइव अबव एटी एटी फाइव इज कंसिडर्ड डेसिबल लिखो डेसीबल डेसिबल इज कंसिडर्ड एज नॉइज पोल्यूशन नॉइज पोल्यूशन ठीक है चलो अब एक एग्जाम्पल जो तुम्हारे बुक में दिया कि भाई जब जेट जब प्लेन जो होता है जब वो टेक ऑफ करता है तो 150 फिफ्टी डेसीबल का साउंड क्रिएट होता है नॉइज क्रिएट होता है ठीक है जेट प्लेन से और वो इतना खराब होता है इतना हानिकारक होता है कि वो आपके कान का जो ड्रम्स है ना इट कैन डैमेज कैन डैमेज ईयर ड्रम्स ठीक है ईयर ड्रम्स के बारे में हम पढ़ेंगे ना जब फिजियोलॉजी करेंगे तब तो पढ़ेंगे ठीक है जी यस yes. अब ये वाली इंफॉर्मेशन मैम आपने क्यों लिखवाई क्योंकि बच्चे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जेट प्लेन टेक ऑफ कर रहा है तो क्या उससे मेरे ईयर ड्रम्स खराब हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? या फिर उसका कितना डेसिबल होता है क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन करा है तो हम ये थोड़ा ना बोल सकते हैं कि क्या हो गया फिर ये तो आसान सी चीज़ है ये नहीं पूछेगा नहीं भाई वो कुछ भी पूछ सकते हैं ठीक है वी डोंट ट्रस्ट देम दे केन आस्क यू एनी नाउ अगले पेज पर लिखती हूँ चलो नॉइज पोल्यूशन क्या है वॉट इज हाउ इज नॉइज पोल्यूशन गोइंग टू यू आप देखो बच्चों जब आप किसी शादी में जाते हो तो आप जहाँ पे डीजे बज रहा होता है क्या उसके पास खड़े होके आपने देखा है कि बिल्कुल जो स्पीकर होते हैं डीजे के उसके बिल्कुल कान लगा के कोई सुन रहा हो ऐसा देखा है आपने कोई ऐसा अजीब इंसान आई विल नॉट से अजीब अजीब बोलना किसी को अच्छी बात नहीं है बट ऐसा इंसान आपने कहीं देखा है हाँ जो बिल्कुल जो बड़े बड़े स्पीकर्स होते हैं उसके साथ ऐसे कान लगा के खड़ा हो कि हाँ मजा आ रहा है बहुत मेरे को तो यही सुनना है इतना ऊंचा ही, ही सुनना है बताइए मुझे आपने देखा है कभी कोई हाँ या कोई है यहाँ पे बच्चा मेरा जो इस तरह की हरकत करता है हाँ नहीं मैम नो मैम ठीक है <laughs> नहीं करते ना हाँ तो बच्चों क्यों नहीं करते क्यों नहीं करते क्योंकि वो इरिटेट करता है शोर सबको इरिटेट करता है और अगर इतना शोर हो कि आप इरिटेट हो रहे हो क्या आपका खाने का मन करेगा नहीं करेगा ठीक है आप 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 देखोगे आपका हार्ट बीट भी बढ़ जाएगा इट इट इट्स गोइंग टू इंक्रीज योर हार्ट बीट तो पहला असर जो होगा इसका नॉइज़ पोल्यूशन का हार्ट बीट का कई बच्चों इतनी ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है कई लोगों की कि उनको पैनिक अटैक भी आ सकता है इतने ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन से घबरा जाते हैं लोग जिसको कभी कभी क्या है ना बस एक आवाज़ ही तो ऊँची है ठीक है समटाइम्स आपको ऐसे नेबर्स मिल सकते हैं जब आप हॉस्टल में जाओगे ना तो बहुत सारे बच्चे ना बहुत ऐसे मिलेंगे ना आपको कि क्या ही है ये तो आपको उनकी कंप्लेन करनी पड़ती है फिर कि भई इतना ऊंचा इन्होंने म्यूज़िक बिकॉज दे डोंट थिंक ऑफ दे डोंट थिंक ऑफ नॉइज एज अ पोल्यूशन उनको लगता है तो क्या हो गया आवाजी तो ऊंची करी है बट कई लोगों को बच्चों सच में प्रॉब्लम हो जाती है तो इंक्रीज हार्ट रेट स्लीपलेसनेस आपको इतनी तेज आवाज में नींद नहीं आएगी है ना ब्रीदिंग पैटर्न आपके आ, बदल सकते हैं राइट right, बच्चों आपकी हियरिंग एबिलिटीज कैपेबिलिटीज को आ, वो खराब कर सकता है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं दिस इज सीरियस दिस इज सीरियस तो आई रियली होप कि जब आप अपने हॉस्टल में जाओ तो आप मस्ती करो लेकिन दूसरों की भी परवाह करो ठीक है बच्चों आई वॉन्ट यू टू बी वेरी वेरी काइंड एंड टू बी कंसिडरेट अबाउट अदर्स फीलिंग्स ऑल्सो वो गंदे बच्चे मत बनना जो हॉस्टल में जाके बदतमीजियाँ करते हैं कि अच्छा ठीक है हम तो भाई बजाएंगे कुछ भी कर लो जिसको जो करना है ठीक है तो थोड़ा सा सबके बारे में भी सोचना है दिस इज़ अ सीरियस इशू ओके सो नॉइज़ पोल्यूशन लिखिए बच्चों नॉइज़ पोल्यूशन कैसे अफेक्ट करेगा <coughs> कैसे इफेक्ट करेगा क्या क्या इसके यू नो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं नंबर वन इज इट इज गोइंग टू इंक्रीज हार्ट रेट ठीक है इंक्रीज हार्ट रेट दूसरा क्या होगा बच्चों दूसरा स्लीपलेसनेस <coughs> तीसरा क्या होगा बच्चों <coughs> तीसरा क्या होगा मेरे बच्चों यस yes. <coughs> हां जी तीसरा क्या होगा देर विल बी ऑल्टर्ड ऑल्टर्ड ब्रीदिंग पैटर्न आपके ब्रीदिंग पैटर्न ऑल्टर्ड ब्रीदिंग पैटर्न ब्रीदिंग पैटर्नस ठीक है एंड देन बच्चों नेक्स्ट क्या होगा डाइजेस्टिव uh, डिसऑर्डर्स हो सकते हैं आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं एंड येस yes. आपकी हियरिंग एबिलिटी खराब हो सकती है डैमेज हियरिंग एबिलिटी मैंने ये सारी चीजें आपको क्यों लिखवाई हैं क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई इनमें से कौन सी चीज नॉइज पोल्यूशन करवाता है ठीक है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें नॉइज पोल्यूशन करवाता है नाउ पीवाई क्यू कॉर्नर ठीक है अब हम बात करेंगे पीवाई क्यू कॉर्नर हर एक उसमें कुछ ना कुछ पीवाई क्यू कॉर्नर तो बन ही जाता है ना ठीक है अब बच्चों हम नॉइज पोल्यूशन को भी कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वी कैन वी कैन क्रिएट ग्रीन मफलर ठीक है we can, we can muffler, हम ग्रीन मफलर बना सकते हैं ये ग्रीन मफलर होता क्या है जैसे कि फैक्ट्री है मान लो कोई फैक्ट्री है फैक्ट्री से भी तो कितना शोर आता है बच्चों मान लो ये फैक्ट्री है पोल्यूशन भी होता है इससे शोर भी आता है हम दोनों चीज़ें इससे सॉल्व करेंगे हम क्या कर सकते हैं हम इसके आजू बाजू में अगर लगा दें पेड़ ठीक है ये लो हमने लगा दिए पेड़ ग्रीन मफलर ग्रीन मफलर ठीक है इससे क्या होगा बच्चों ये साउंड को एब्जॉर्ब करता है और पोल्यूशन भी कम होगा ठीक है साउंड एब्जॉर्बेंट ट्रीज बहुत अच्छे साउंड एब्सॉर्बेंट हैं साउंड एब्जॉर्बेंट की तरह एक्ट करेगा एंड ऑब्वियसली मोर ऑक्सीजन तो सीओ <coughs> टू को भी यूज कर लेगा तो पोल्यूशन भी कम हो जाएगा एयर पोल्यूशन भी कम हो जाएगा दिस इज योर पी वाई क्यू कॉर्नर इज क्लियर टू एवरीबडी हाँ जी बोलो 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 आज एयर पोल्यूशन खत्म कर दे बच्चों हाँ अब हम करेंगे केस स्टडी जो मैंने तुम्हें बोला था हर एक चीज में केस स्टडी बहुत जरूरत है कि भाई हमने ऐसा क्या करा जिससे हमने सिचुएशन को इम्प्रूव कर दिया

ठीक है ओके okay. चलो <coughs> तो आज हम करेंगे खत्म एयर पोल्यूशन एंड इसी बात पे लाइक हो जाए बच्चों इसी बात पे हो जाए लाइक यस मैम शेयर कर दिया करो सेशंस बहुत सारे बच्चों की हेल्प हो जाएगी बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर दे डोंट हैव दैट टाइप ऑफ सपोर्ट ठीक है जहां पे आपको डेली लाइव लेक्चर्स मिले जहां पे आपको एक ऐसा टीचर मिले जो कंसिस्टेंट है जहां पे आपकी स्पेशली बच्चों बॉटनी का जो इश्यू है वो रिजॉल्व हो जाए शेयर कर दिया करो किसी की हेल्प हो जाएगी किसी और को भी समझ में आ जाएगी चीजें ओके चलो अब हम बात करेंगे केस स्टडी की तो केस स्टडी हमने क्या करी केस स्टडी ऑफ डेली बच्चों डेली आपको पता है डेली इज द कैपिटल ऑफ पोल्यूशन ऑल्सो कैपिटल हमारे इंडिया का भी है लेकिन पोल्यूशन का भी कैपिटल है ठीक है जी अब हमने ना 1990 में दिल्ली में एक स्टडी हुई जिससे हमें पता चला कि भाई यहां पे तो बहुत बुरी हालत है 1990 में दिल्ली वाज रैंक्ड 41 मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ठीक है 1990 में दिल्ली फोर्टी मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ठीक है फिर जी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कुछ तो करो ऐसे नहीं चलेगा ठीक है सुप्रीम कोर्ट रेप्रमेंडेड द गवर्नमेंट कि व्हाट इज हैपनिंग ये क्या हो रहा है ये अपना जो हमारा जो यू नो कैपिटल है वो इतनी ज्यादा इतना ऊपर पहुंच चुका है पोल्यूशन में तो आपको कुछ करना पड़ेगा उन्होंने क्या करा केस स्टडी क्या था बच्चों तो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करे सीएनजी ठीक है जो बसेस थी ठीक है तो बसेस ऑफ दिल्ली बसेस ऑफ दिल्ली वर मेड टू रन ऑन सीएनजी क्या यूज करा बच्चों सीएनजी यूज करा ठीक है सीएनजी यूज करा 2002 में हमने क्या करा सीएनजी यूज करा अब क्यों यूज करा उसके फायदे क्या थे फायदे ये थे कि भाई यहां पे कोई अनबंट हाइड्रोकार्बन नहीं रहते थे ठीक है सब कुछ जल जाता था बर्न्स एफिशिएंटली, एक फायदा हो गया बहुत बड़ा फायदा हो गया दूसरी चीज दूसरी चीज बच्चों और क्या हो रहा था सस्ती थी चीपर तो लोग खुश होके इसको यूज करेंगे नई चीज है नई चीज के लिए लोग थोड़ा सा इनहिबिशन होता है उनका लेकिन ये सस्ती थी तो हमने बोला चलो सस्ती चीज तो भाई हमें चाहिए बिल्कुल चाहिए सस्ती भी और अच्छी भी है और बच्चों एक बहुत ही बढ़िया बात ठीक है <coughs> बहुत ही बढ़िया बात ओ आई एम सॉरी आई एम वेरी सॉरी वेरी सॉरी आई एम वेरी सॉरी इट वॉज रैंक फोर्थ आई एम सॉरी इट वॉज रेंकड डेली वॉज रेंड आई एम वेरी सॉरी बच्चों वो फोर्टी uh, वन मेरे दिमाग में रह गया इट वॉज रेंड फोर्थ थैंक यू सो मच देख रहे हो तुम दिमाग ना ऐसे हिल जाता है इट वॉज़ रेंकड फोर्थ 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 अमंग इसको मैं नीचे ले आती हूँ

फोर्थ थी अमंग 41 वन मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज तो मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ चलो भाई अब हमने क्या करा जब सुप्रीम कोर्ट ने डांट मारी तो गवर्नमेंट ने सोचा भाई कुछ करना पड़ेगा वैसे तो काम नहीं चलेगा ये तो बहुत ही खतरनाक चीज़ होगी है तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करी सी ठीक है सी बच्चों क्वेश्चन में बोल दिया जाता है कि ट्रक्स के लिए भी यूज करी कार के लिए भी तो यू हैव टू रिमेंबर कि बसेस के लिए यूज़ हुई थी ठीक है किसके लिए यूज़ हुई थी बसेस के लिए यूज हुई थी ठीक है यस चलो सो फ़ायदा क्या था बच्चों एक तो कुछ भी वेस्ट नहीं बचता था दूसरी चीज़ सस्ती थी अब तुम्हें पता है हम इंडियंस ठीक है मिडिल क्लास पीपल वी लव सस्ती चीज़ तो हमने बोला हमने इसको बिल्कुल खुले आम से इसको ऐसे बोला आ जाओ आ जाओ तुम तुम तु, 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 तुम्हारी हमारे पास मतलब तुम्हारी कमी थी तीसरी चीज़ विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट वॉज इसको कोई चुरा नहीं सकता था ठीक है अब इसको कोई चुरा नहीं सकता था तुम बोलोगे मैम तो पहले चो चोरी करते रहते थे हाँ तुमने देखा नहीं है कई लोग कैसे पेट्रोल चुरा लेते हैं बच्चों गाड़ी में से तो इसको चुरा नहीं सकते कैन नॉट बी साइफंड ऑफ बाई थीव कैन नॉट बी साइफंड साइफंड ऑफ मतलब चुराना मैं एनसीआरटी की लाइन यूज कर रही हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में रहे बाई थीव्स ठीक है मैं चोरी नहीं कर सकते इसको नेक्स्ट एक और चीज है इसमें कि इसको आप मिलावट नहीं कर सकते इसमें आप मिलावट नहीं कर सकते इट कैन नॉट बी एडल्टरेटेड कैन नॉट बी एडल्टरेटेड बहुत ही बढ़िया बात हो गई ठीक है ये तो बहुत लेकिन एक प्रॉब्लम थी भाई अब तो बोलोगे में हम सारी चीजें तो बड़ी बढ़िया चल रही है यहाँ पे यहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ एक दिक्कत थी एंड दैट दिक्कत वॉज कि हमको पाइप बिछानी पड़ती थी यार वो बहुत बड़ा काम था बहुत बड़ा काम था तो देर वॉज ओनली वन प्रॉब्लम ये आपको पूछा जा सकता है पाइपलाइन बिछानी पड़नी थी ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था ठीक है बट स्टिल इतना काम कर सकते हैं हम अगर कोई चीज इतनी अच्छी है बच्चों तो उसके लिए हम इतना काम तो कर ही सकते हैं ठीक है इतना काम तो हम कर सकते हैं उसके लिए सो दिस वॉज द केस स्टडी विच वॉज डन इन दर ट्वेंटी दो हजार दो में करा गया था दिल्ली में सी एन जी यूज करा था इसके ऊपर बहुत बार पूछे जा चुके हैं बालकों ओके okay, अब आ जाओ तुम इंटरनेशनल <laughs> लेवल पे क्या हुआ फिर हमारी कंट्री में क्या हुआ इंटरनेशनल लेवल पे आपने अपनी बुक में देखा होगा कि यूरो नॉर्म्स आए थे ठीक है जिसके अकॉर्डिंग हमने जिसके अकॉर्डिंग क्या हुआ बच्चों की सल्फर का जो अमाउंट था डीजल में नीचे लिखती हूँ जिसके अकॉर्डिंग जो सल्फर का अमाउंट था डीजल में 350 पार्टिकल्स पर मिलियन जो था डीजल में इन डीजल ठीक है एंड ऑल्सो बच्चों योर 150 पार्टिकल्स पर मिलियन मिलियन इन पेट्रोल 150 फिफ्टी इन पेट्रोल हाइड्रोकार्बन कितना बोला हमने हाइड्रोकार्बन कितना बोला हमने हाइड्रोकार्बन हमने बोला कि भाई हाइड्रोकार्बन हमने बोला कि भाई इसको हम ले आएंगे ये था 42 तो 42 से हम इसको 35 फाइव पे लाएंगे फोर्टी परसेंट था अब हमने नया क्या बोला कि इसको हम ले आएंगे 50 पे ठीक है इसको हम ले आएंगे 50 पे और इसको हम ले आएंगे थर्टी फाइव पे ठीक है थर्टी फाइव परसेंट पे अब इसके लिए तो तुम्हें बहुत सारे क्या कहते हैं रेगुलेशन आने पड़ेंगे रूल्स आने पड़ेंगे ताकि लोग सुधरे लोगों को भी तो सुधरना पड़ेगा बच्चों ऐसा तो नहीं चलने वाला काम है ना ऐसा तो नहीं चलने वाला ओके <coughs> okay. तो ये नॉर्म्स आए थे आपके एंड इसी के साथ हमारे इंडिया में भी इसी के मतलब यू कैन से कि पैरेलल में इंडिया में भी कुछ नॉर्म्स आए विच आर गिवन हियर जो एक टेबल बनाया हुआ है कहा गया ये रहा ठीक है जिसको हमने बोला भारत स्टेज बच्चों जिसको हमने बोला भारत स्टेज ओके टू विच वॉज इक्वी वेलन टू क्यों लिखा हुआ? यूरो थ्री होना चाहिए था हाँ ये रहा ये देखो यूरो बच्चों ये देखो यूरो थ्री नॉर्म्स फॉर एग्जाम्पल स्टिपुलेट दैट सल्फर बी कंट्रोल्ड एट थ्री फिफ्टी पार्ट पर मिलियन इन डीजल 150 in इन पेट्रोल एरोमेटिक are आर टू बी कंटेन्ड एट फोर्टी परसेंट ठीक है द गोल अकॉर्डिंग टू द रोड मैप इज टू रिड्यूस सल्फर टू 50 पार्टिकल्स पर मिलियन इन पेट्रोल एंड डीजल एंड ब्रिंग डाउन द लेवल टू थर्टी ठीक है जी तो हमने ये प्लान करा था कि हम इसको कंट्रोल करेंगे और कहाँ तक लेकर आएंगे सल्फर को लेकर आएंगे बच्चों 50 तक एंड डीजल को सॉरी हाइड्रोकार्बन्स uh, को लेकर आएंगे 35 परसेंट तक तो मैंने बिल्कुल ठीक लिखा है आप जो बोल रहे हो ना कि मैम यूरो, यूरो टू ये है बच्चों यूरो टू हमारा भारत टू के कॉरेस्पॉन्डिंग आया था लेकिन अब भारत टू नहीं है अब भारत थ्री नहीं है अब भारत फोर स्टेज चल रहा है बच्चों लेटेस्ट क्या है भारत फोर चल रहा है ठीक है याद रखो मैंने जो आपको बताया है दिस इज यूरो नॉर्म्स हमने हम चले किससे बच्चों हम चले थे स्टार्टेड विद लेकिन हमें यहां तक पहुंचना है हमारा गोल क्या था यहां तक पहुंचना है मैं यहां पे लिख देती हूँ गोल गोल ये है ठीक है हाइड्रोकार्बन का हमारा गोल क्या है थर्टी फाइव परसेंट है यह तुम्हारा यूरो, यूरो वन यूरोटेस्ट यूरो यूरो है आपका बुक में दिया हुआ है दिस इज यूरो का डेटा दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इस डेटा को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने यहां लिख दिया है ठीक है ये याद करना है चेतन पूछना मैम याद थोड़ी करना है बिल्कुल करना है चेतन फिर मैंने मतलब ऐसे ही लिख दिया पे मस्ती के लिए मेरा मन कर रहा था कि मैं लिख के जाती हूं कुछ ना ना, ना 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 बच्चों ये लिखना है यू हैव टू रिमेंबर रिमेंबर दिस दिस यू हैव टू टू दे आर गोइंग आस्क रिमेबर क्वेश्चन कि भाई हमारा गोल क्या था सल्फर को कितना कम करना है हमारा गोल क्या था हाइड्रोकार्बन को कितना कम करना है हां जी <coughs> बोलो ठीक है बच्चों ये याद करना है याद करना है और अभी याद कर लो सल्फर पचास ठीक है हाइड्रोकार्बन 35 सल्फर कितना कम करना था 50 हाइड्रोकार्बन थर्टी फाइव इज इज क्लियर क्लियर आग लगा दो चैट में बिल्कुल आग लगा दो ठीक है सारे हाइड्रोकार्बन को बर्न कर दो कुछ भी रहना नहीं चाहिए ठीक है इट शुड बर्न इफेक्टिवली ओके जी चलो चलो आ जाओ आ जाओ ओके बच्चों नाउ देर अ टेबल विच इज गिवन इन योर एनसीआर ठीक है आपकी एनसीआर टी में एक टेबल दिया हुआ है वो टेबल आप सबकी किताब के अंदर छप जाना चाहिए बिकॉज दिस इज द लेटेस्ट वन ये आपका लेटेस्ट है अब आपका भारत फोर स्टेज पे हो तुम तो, टू नहीं है थ्री नहीं है ठीक है टू पहले था एमिशन <laughs> स्टैंडर्ड्स भारत टू विच इज इक्वल इन 2 यूरोम्स आर नो मोर एप्लीकेबल अब ये नहीं चलता बच्चों कोई भी बच्चा मुझे ये नहीं बोलेगा मैम भारत टू भारत टू नहीं चलता ठीक है समय के साथ आपके जो व्हीकल्स हैं वो वैसे ही हैं जैसे 20 साल पहले थे जैसे 30 साल पहले थे वो बदल रहे हैं तो तुम्हें चीजें भी बदल और नंबर उतना है नंबर भी चेंज हो रहा है बच्चों ठीक, ठीक है नंबर भी चेंज हो रहा है ओके चलो आ जाओ तो देखो फोर व्हीलर्स भारत फोर स्टेज पे, ठीक है थ्री व्हीलर्स के लिए भी भारत फोर स्टेज है टू व्हीलर्स के लिए भी भारत फोर स्टेज ही है और कब से बच्चों ये शुरू हुआ है इम्प्लीमेंटेशन 2017 ये तुम्हें पता होना चाहिए ये भी तुम अपने नोट्स में लिख लो छा, छाप लो उतार लो तो भारत टू नो नो मोर एप्लीकेबल ये भी लिखो नहीं तो कई बच्चे बोलेंगे मैम भारत टू भारत टू एन में दिया हुआ है लिखो भारत टू equivalent to which is equivalent to euro norms to no more applicable no more applicable अब क्या आ गया बच्चों अब आ गया आपका भारत 4 आ चुका है कब इंप्लीमेंट हुआ था अप्रैल 2000 सत्रह और इसमें क्या क्या है फोर व्हीलर थ्री व्हीलर एंड टू व्हीलर्स इसके अंदर आपके इंक्लूडेड हैं एंड टू व्हीलर्स इसके अंदर आपके इंक्लूडेड है ठीक है तो इसके ऊपर जो भी आपकी यू नो लॉज बन रहे हैं जो भी आपके पास हो रहे हैं दैट इज अकॉर्डिंग टू द भारत फोर इज द थिंग क्लियर टू एवरीबडी ठीक है यस yes. ओके okay. चलो अब एक बार एनसीईआरटी पढ़ ले तुम्हारी टेबल अलग है नहीं बच्चों दिस इज द लेटेस्ट वन आपकी एनसीईआरटी में क्या ये कोड दिया हुआ है हर एक बच्चा मुझे बताएगा हर एक बच्चा मुझे बताएगा आपकी एनसीईआरटी में क्या ये कोड दिया हुआ है तुम्हें पता है एनसीईआरटी कौन सी लेनी चाहिए तुम्हें डू यू नो दैट डू यू नो दैट उसके बाद मैं तुम्हें होमवर्क का क्वेश्चन भी दूंगी ये yes? जिस बच्चे की एनसीईआरटी में ये कोड दिया हुआ है ना वही एनसीआरटी सही वाली है वही एनसीआरटी नई वाली है ठीक है बच्चों? वही एनसीआरटी सही वाली है वही एनसीआरटी नई वाली है तो जिस एनसीआरटी में ये नहीं है प्लीज चेक कर लेना इसका मतलब है कि आपको नई लेने की बहुत 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 जरूरत है ठीक है आज एक और बात बता दी मैंने तुम्हें <laughs> तो अगर ये नहीं पता था आज एक और बात बता दी तुम्हें आ जाओ अब थोड़ी सी एन पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट लाइन्स पढ़ लेंगे एन की पोल्यूशन इज एनी अनडिज़ायरेबल चेंज इन फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ एयर हवा का पोल्यूशन होता है सॉइल का पोल्यूशन होता है वाटर का होता है ठीक है सॉइल या लैंड का भी हो जाता है वैसे सॉइल लैंड एक ही कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो ये हो गया तुम्हारा पोल्यूशन ठीक है पोल्यूटेंट क्या है बच्चों जो पोल्यूशन कॉज करते हैं हमने सेकेंडरी भी पढ़े थे हमने प्राइमरी भी पढ़े थे अब देखो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है सारे एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे एक्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल पे आ जाओ <coughs> चलो भाई तो जो ये पोल्यूटेंट है यह क्या करते हैं दे रिड्यूस ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ द क्रोप क्रॉप यीड मतलब की आपकी पैदावार कितनी होगी वो उसको कम कर देंगे एंड द कॉज प्रीमेच्योर डेथ ऑफ द प्लांट एयर पोल्यूशन ऑल्सो डेलीरियसली अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूम एंड एनिमल्स डेलीटीरियसली मतलब बहुत ही हानिकारक वे से ये आपको अफेक्ट करने वाला है ओके okay, चलो ठीक है चलो नाउ बच्चों अब ये कहां कहाँ से आता है स्मोक स्टैक्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स ठीक है स्मोक स्टैक्स मतलब वो जो चिमनी सी होती है जहां से निकल रही होती है स्मोक थर्मल पावर प्लांट जो है आपके स्मेल्टर्स <coughs> स्मेल्टर्स क्या होते हैं जहाँ पे आप चीज़ें जो जो भी आपके रॉ यू नो आप मेटल्स लेकर आए हो उसको मेल्ट कर रहे हो ठीक है जहाँ पे मेल्टिंग वगैरह हो रही है तो वहाँ पे देखो कितनी सारी फ्यूम्स बनेंगी कितना सारा पल्यूशन uh, होगा वहाँ पे एंड अदर इंडस्ट्रीज रिलीज पार्टिकुलेट एंड गैशियस एयर पोल्यूटेट टूगेदर विद हार्मलेस गैसेज सच एस नाइट्रोजन ऑक्सीजन एट्सेट्रा दीज पल्यूटेंट्स मस्ट बी सेपरेटेड फिल्टर आउट बिफोर रिलीजिंग द हार्मलेस गैसेज एटमॉस्फेयर यस वी अग्री और तीन तरीके हैं ठीक है जो हमें इस किताब में बताए गए हैं एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ये क्या करता है बच्चों नाइनटी नाइन परसेंट पार्टिकुलेट को निकाल लेता है ठीक है हमने क्या हमने रखे हैं हमने इलेक्ट्रॉड रखे वायर्स रखे थे इलेक्ट्रॉड वायर्स जो बहुत ज्यादा वोल्टे बहुत ज्यादा आपने उसको आ,

तो तुमने हवा को मध्यम मध्यम तरीके से चलाया ठीक है आहिस्ता आहिस्ता चलाना तो तेज चलाओगे तो उसके ऊपर बैठेगा नहीं वो तेज चला दिया तो कैसे चिपकेगा आहिस्ता आहिस्ता हम हवा को चलाएंगे और वो किसके ऊपर चिपक जाएगा तुम्हारे प्लेट्स जो तुमने ग्राउंडेड करे हुए हैं ये हो गया देन बच्चो यू टॉक अबाउट स्क्रबर स्क्रबर क्या रिमूव करेगा सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव करेगा और इसमें आप क्या यूज करते हैं वाटर एंड लाइम ठीक है वाटर एंड लाइन और हमने पढ़ा कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है सी उसने हमें बताया कि पार्टिकुलेट का साइज अगर कम है इफ इट इज लेस देन टू माइक्रोमीटर तो क्या होगा लंग्स में जाएगा इन्फेक्शन करेगा ठीक है इन्फ्लमेशन करेगा आपके लंग्स को डैमेज करेगा और प्री मेच्योर डेथ भी हो सकता है ठीक है तो ये आपके कुछ दिक्कत हो सकते हैं जो हमने सारे लिख भी लिए बच्चों नाउ आपका जो ऑटोमोबाइल का जो पोल्यूशन <coughs> है वो बहुत बड़ा पोल्यूशन है एज मेजर नंबर ऑफ एज नंबर ऑफ व्हीकल इंक्रीज ऑन द स्ट्रीट दिस प्रॉब्लम इज नाउ शिफ्टिंग टू अदर सिटीज टू जो छोटी छोटी सिटीज थी जहां पे पहले बहुत कम गाड़ियां होती थी अब देखो एक एक घर में चा चार चार गाड़ियां इसके ऊपर भी कोई लॉ बनना चाहिए अगर है तो मुझे बताना आयो मेरे को कुछ सुनने में आ रहा था कि कुछ तो बनने वाला कि एक घर में सिर्फ एक गाड़ी रखो होनी भी चाहिए यार प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ ऑटोमोबाइल्स अलोंग विद द यूज़ ऑफ लेड फ्री पेट्रोल और डीजल कैन रिड्यूस द पॉल्यूट अब यहां पर हम बात करेंगे catalytic converters की, है? इसमें हम एक्सपेंसिव मेटल यूज करते हैं जैसे कि प्लाटिनम पैलेडियम एंड रोडियम एज कैटलिस्ट ठीक है अब इससे क्या होता है बच्चों जैसे ही आपकी अनब हाइड्रोकार्बन है कार्बन मोनोऑक्साइड <coughs> है नाइटिक ऑक्साइड है यह सब कन्वर्ट होता है होते हैं किसमें कार्बन डाइक्साइड नाइट्रोजन गैस एंड वाटर में इनसे तो हमें कोई हार्म नहीं होगा ये तो हार्मलेस है ये तो हार्मलेस है नाउ मोटर व्हीकल्स इक्विप्ड विद कैटालिटिक कन्वर्टर शुड नॉट यूज अनलेडेड पेट्रोल क्यों क्यों तुम मुझे ये बोल रहे हो क्योंकि अगर तुमने ऐसा करा तो वो इनएक्टिवेट कर देगा आपके कैटालिस्ट को और फिर कोई फायदा नहीं है फिर कोई फायदा नहीं है जाओ 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 फिर जाओ अपने घर जाओ ठीक है <laughs> फिर कोई फायदा नहीं है बच्चों ओके okay, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ एयर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट कब आया था 1981 में लेकिन हमने इसको अमेंड कर दिया था कब 1987 में और इसके साथ नॉइज भी ऐड कर दिया था ठीक है जी नॉइज से बच्चों क्या क्या होगा नॉइज इज गोइंग टू अफेक्ट नॉइज इज गोइंग टू अफेक्ट वॉट यू मे कॉज अच्छा इसकी वजह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं ठीक है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं उनकी हमने बात करी उनकी हमने बात करी जैसे कि स्लीपलेसनेस हो सकता है हार्ट रेट आपका बढ़ सकता है ऑल्टर्ड ब्रीदिंग पैटर्न हो सकते हैं बच्चों एंड ऑल्सो स्ट्रेस भी बढ़ जाएगा फिर इसकी वजह से एंड एक और चीज़ जो मैंने आपको बोला था हाईलाइट कर लेना कि 150 फिफ्टी डेसेबल का जो साउंड जब टेक ऑफ होता है जेट उससे आपकी हियरिंग एबिलिटी भी खराब हो सकती है परमानेंट डैमेज हो सकता है ओके कंसिडरिंग द मेनी डेंजरस इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पोलूशन कैन यू आइडेंटिफाई द अनेसेसरी सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन अराउंड यू विच कैन बी रिड्यूज इमीडिएटली विदाउट एनी फाइनेंशियल लॉस टू एनी बडी ये जो तुम हॉर्न बजाते हो या जो तुम फालतू में म्यूजिक बजाते हो ठीक है उसको कम कर लो बिना पैसों के कम हो जाएगा ओके रिडक्शन ऑफ नॉइज इन आर इंडस्ट्रीज कैन बी अफेक्टेड बाई यूज ऑफ साउंड एब्जॉर्बेंट मटीरियल और मफलिंग नॉइज उसका मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया था बच्चों क्या दिया था हम क्या कर सकते हैं वी कैन क्रिएट अ ग्रीन मफलर ठीक है हम ग्रीन मफलर लगा सकते हैं इंडस्ट्रीज के आजू बाजू में उससे क्या होगा एब्जॉर्ब कर लेंगे और आपका साउंड का लेवल इतना ज्यादा नहीं जाएगा ठीक है सो हॉर्न फ्री जोन बना सकते हैं स्पीकर्स वगैरह का एक टाइम रख सकते हैं नॉर्मली ये होता ही है हर जगह पे अब हमारी जो केस स्टडी हुई थी उसको देख लो क्या हुआ था बच्चों इन द ईयर 1990 जो मैम ने खराब कर दिया था आपका ठीक है नोट्स को आपको करेक्ट करना पड़ा था फोर्थ आपका प्लेस हुआ था डेली पोल्यूटेड सिटीज बहुत डेंजरस पोजीशन थी ठीक है अब क्या हुआ भाई किसी ने इतना सीरियस था कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पी सुप्रीम कोर्ट ने डाटा कि भाई तुम कुछ काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो कम ऑन लाइक दिस इज द कैपिटल ऑफ द कंट्री इसको हम इतना ज़्यादा पोल्यूशन के अंदर नहीं डुबा सकते कुछ करिए तो जब सुप्रीम कोर्ट डांटेगी गवर्नमेंट को तो बच्चों गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना पड़ता है तो गवर्नमेंट ने क्या करा भाई सोचा द गवर्नमेंट वॉज आज टू टेक स्पेसिफिक मतलब सम एक्शन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड भी दे दिया था कि भाई इस टाइम तक सब सुधर जाना चाहिए एंड इसलिए हमने इंट्रोड्यूस करा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस विच इज़ सी एन जी सारी बसेस कन्वर्ट हो गई बच्चे आपकी बाय द एंड ऑफ 2002 सारी की सारी कन्वर्ट हो गई अब ये क्यों बेटर था क्योंकि चुरा नहीं सकते हो बहुत एफिशिएंट है इसको आप एडल्टरेट नहीं कर सकते हो ठीक है ये सारी प्रॉब्लम्स हमने इससे सॉल्व कर दी लेकिन एक, एक दिक्कत थी कि भाई हमें पाइपलाइंस लगानी पड़ती है लेकिन इतना बड़ा अच्छा अगर किसी चीज का इफेक्ट आ रहा है एक छोटा सा काम तो हम कर ही सकते हैं कोई बात नहीं हो जाएगा

आपने क्या करा फॉर एग्जाम्पल स्टिपुलेट दैट सल्फर टू बी कंट्रोल्ड एट 350 फिफ्टी पार्ट पर मिलियन इन डीजल एंड 150 फिफ्टी इन पेट्रोल ठीक है जी ओके okay. हमें से लाना कहाँ है बच्चों वी हैव टू ब्रिंग इट डाउन टू 50 ठीक है वी हैव टू ब्रिंग इट डाउन टू 50 अब दूसरा क्या था आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स टू बी कंटेन एंड 42 टू परसेंट ठीक है दे हैव टू वी हैव टू ब्रिंग इट डाउन टू 35 ये याद रखना है ठीक है ये याद रखना है अब ये एप्लीकेबल नहीं है ठीक है ये अब नहीं एप्लीकेबल है प्लीज रिमेंबर दिस अब क्या एप्लीकेबल है बच्चा लोग दिस इज एप्लीकेबल ठीक है और कौन से साल में सिंस अप्रैल 2017 में आपका ये इंप्लीमेंट हो चुका था ठीक uh, है अह हैज अब क्या हो गया बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुका है ठीक है देयर इज अ सब्सटेंशियल फॉल इन CO2 एंड SO2 लेवल फाउंड इन दिल्ली बिटवीन 1997 टू 19 सॉरी 2005 अब मैं थक चुकी हूं अब तुम लोग भी <coughs> ठीक है, ओके आज का आज के लेक्चर में ये सब बातें क्लियर हुई कल हम करेंगे बच्चों वाटर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी हैव टू लर्न अबाउट द दिस दिस डायग्राम ये जो डायग्राम है ना आपका जो आप बीओडी पढ़ते हो ये सब हम कल करेंगे ठीक है टुमारो विल डू एवरीथिंग अबाउट बी एंड ये बायो मैग्निफिकेशन यू ये सब करेंगे केस स्टडी जो हुई थी ये भी करेंगे ठीक है कल हम करेंगे वाटर पोल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट वाटर पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा चंक है इस चैप्टर का मतलब वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन अगर हो गया ना तो काफ़ी तुम समझ लो कि तुम्हारा सिक्सटी परसेंट चैप्टर खत्म हो गया अच्छा अभी कहाँ से बाय बाय टाटा हाँ ये कौन करेगा दिस इज योर होमवर्क दिस इज योर होमवर्क भाई बेटा जी बेटा जी होमवर्क मुझे इसका जवाब चाहिए होगा इन द चैटॉक्स नॉट इन द चैट कॉमेंट में जब ये सेशन खत्म हो जाएगा एंड एनअमी से आपको अपना प्रेपरेशन को स्ट्रेंथन करना है तो एक चीज जो हमारा अप टू फिफ्टी टू परसेंट ऑफ चल रहा है बच्चों अप टू चल रहा है फिफ्टी टू परसेंट ऑफ वेन यू यूज द कोड गार्गी तो आपको ये ऑफ मिलेगा साथ में आप मेरे गाइडेंस मेरे मेंटोरशिप में आ जाओगे मुझे स्क्रीन शॉट भेजना मत भूलना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिर मैं आपको अपने मेंटोरशिप uh, ग्रुप में एड कर लूंगी न ऑल्सो गो फॉर ऑफलाइन स्टडीज के लिए भी जा सकते हो आप अनडमी में बच्चों प्री बुक योर सीट एंड यू केन गेट टेन परसेंट ऑफ ऑन येट करना वालों को ठीक है पीडीएफ में सेंड कर दूंगी डोंट वरी पी डी एफ बच्चों आपको मिल जाएगा डॉक्टर गार्गी सिंह डॉक्टर गार्गी सिंह टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा पीडीएफ ठीक है वाटर पोल्यूशन बहुत बड़ा है येस yes, बट हम उसको भी आराम से खत्म कर लेंगे ओके okay? ठीक है कंपीट में बच्चों पार्टिसिपेट करना जितना ज्यादा आप टेस्ट देंगे जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए उतना ही ज्यादा इंप्रूव करोगे ठीक है यस ओके बाय बाय बच्चों टेक केयर एंड आई यू एनआईसी और थर्टीथ को तुम्हारा एनिमल किंगडम का मैं स्पेशल पे टेस्ट लेने वाली हूं बता, दे, बता देती हूँ पहले ओके okay?